अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुरमीत तुषार अमीशा ऋतिक कौस्तुभ उत्कर्ष जीत वेदिता माधव खुशी आयुष मुकुल सुभाष्री तृप्ति गौरव अर्श हर्ष ऋतिका तेजस गुरसिमर साक्षी देव देवेश देवाशीष निखिल आदित्य अक्षय समृति धैर्या उमंग जतिन मुस्कान आ, यो, योगेश आर्यमन कार्तिक सक्षम वंश आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं सबका नाम नहीं ले पाया लेकिन आप सब दिल में रहते हैं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है आज हम आपके साथ जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो उनका नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग जिसमें आपको ये बुक्स मिल रही हैं दिखा दीजिए जिस बुक का नंबर है जीरो फाइव वन वन ए तो आपने अपने पास इस बुक को देखना है इसके दो वॉल्यूम है वॉल्यूम वन और इसके साथ ही एक और है वॉल्यूम टू इसके नंबर के अंदर बी लिखा हुआ है इसके नंबर के अंदर ए लिखा हुआ है ठीक है तो आप इस बुक से पढ़ने वाले हैं अच्छा तो इन बुक्स में अभी हो सकता आप में से कुछ बच्चों के पास बुक्स ना पहुंची हो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी और हम निश्चिंत रहें बिना बुक के भी पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है तो आप उस बारे में बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि बुक नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है निखिल कह रहे हैं सर मेरा जीरो फाइव ज़ीरो टू ए है आ, निखिल आ, आपको एक और बुक भी मिल रही है हो सकता है आपको आजकल में पहुंचने वाली हो तो ये वाली बुक्स भी आपको एडिशनली मिल रही हैं वो बुक्स तो आप रखो ही अपने पास साथ में ये बुक्स का भी प्रयोग करना है हम अपनी लाइव क्लासेज में ये वाली बुक्स का प्रयोग करेंगे ठीक है ये वाली बुक्स का प्रयोग करेंगे लाइव क्लासेस के अंदर और जो आप गूगल ड्राइव पर क्लासेस देखेंगे चाहे इस बुक का यूज़ कर लें चाहे पुरानी का कर लें दोनों सेम है ठीक है चलिए तो इस बुक में ऐसा क्या है जो पिछली बुक में नहीं है तो वो आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ठीक है हमने उसका अरेंजमेंट चेंज किया है कुछ लेटेस्ट पेपर्स को और ऐड किया है तो कुल मिलाकर के इस तरह का ही काम है उसमें ठीक है तो ऐसे कोई कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं आएंगे बट हाँ क्वेश्चन थोड़े से बढ़ जाएंगे या अरेंजमेंट बदल जाएगा चलिए मेरे साथ साथ <coughs> आज हम आपके साथ जो स्टार्ट करने वाले हैं हाँ तुषार बेटा एडिशन फोर्टी है तुम चिंता क्या करते हो इसमें सब बदला हुआ एडिशन 40 है एडिशन फोर्टी है फिफ्टी नाइन्थ बैच है और बुक नंबर ये है ठीक है ना तो आप अपने पास ये करेंगे एक बच्चा कह रहा है आपकी दाढ़ी कहाँ गई देवा देवेश दाड़ी गई नहीं आई ठीक है दाढ़ी तो मैंने रखी है तुम कह रहे हो दाढ़ी गई कहां गई कहां पर मैं कहीं से लाया मैं तो उठा के लाया रात को ठीक है तो हम अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवेंटीन सेगमेंट रिपोर्टिंग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे हाँ तुषार बेटा जो आपका पहले बुक है ना वो तो रहेगी रहेगी ये भी मिलेगी ठीक है दो चिंता ना करें हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं तो मेरी कुछ एजम्शन है जैसे आप अपने पास कुछ एजम्शंस अकाउंट्स में अप्लाई करते हैं तो मेरी कुछ एजम्पन्स हैं। एजम्पन्स क्या हैं कि आपने ग्रुप वन अकाउंटिंग पढ़ लिया है ये मेरी एजम्पन है इसका मतलब ग्रुप वन अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हैं यह मेरी एक एजम्पन है इस एजम्पन का सबसे पहला प्रभाव इस स्टैंडर्ड पे आ जाता है कि ये स्टैंडर्ड किस पर अप्लाई होता है किस पर अप्लाई नहीं होता इसका मतलब एस क्या सभी पर अप्लाई होता है या किसी पर एग्जम्पन भी है या रिलैक्सेशन भी है तो मैं आपको क्या जवाब दूं आप मुझे जवाब दो क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं ग्रुप वन में आपने एक जगह पर डिस्कशन किया था हमारी क्लास में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सत्रह कुछ एक पर अप्लाई नहीं होता तो मुझे फटाफट से याद दिला दो हालांकि मैं लिखूंगा उसको जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ अल्टीमेटली तो यहीं पर लिखेंगे लेकिन फिर भी अब मैं पहले स्टार्टिंग ही आपसे कर रहा हूं तो लिखें इसके अंदर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is applicable to companies which do not apply indias or non companies तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनियों पर अप्लाई होता है तथा नॉन कंपनियों पर अप्लाई होता है <coughs> फिर इसके बाद एग्जामेशन इज अवेलेबल फॉर किस किस को एग्जामेशन अवेलेबल है इसका मतलब कंपनियों में किस किस पर वृंदा कंपनियों में किस किस के ऊपर है वेरी अच्छा सॉरी वृंदा ने ठीक आंसर दिया मैं उसको ठीक से पढ़ नहीं पाया तो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज यह तो हो गया एक इसके अलावा नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज इन लेवल कौन कौन सा लेवल था मैं भूल गया <coughs> तुषार नॉन एसएमसी पर तो अप्लाई होगा ना बड़ा बड़ा हो गया नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में किस किस को माफी मिलेगी तो रोहित कह रहा वन को को मिलेगी द आंसर इज नो टू मिलेगी थ्री को मिलेगी एंड फोर को मिलेगी टू को मिलेगी थ्री को मिलेगी एंड फोर को मिलेगी ओके okay? आप इसको टू थ्री फोर को इस तरह से लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको टू थ्री एंड फोर यानी इनके ऊपर हमारे पास इस स्टैंडर्ड से माफी आ जाती है ठीक है अब सवाल उठता है कि ये स्टैंडर्ड एक्चुअल में है क्या तो आप क्या चाहते हैं थोड़ा सा लिखवा दूं पहले फिर उसके बाद ही समझा दूं? थोड़ा लिखवा देते हैं फिर फिर उसके बाद ही समझाते हैं आपको ठीक है पहले अपना लिख ही लो थोड़ा थोड़ा सा तो लिखिएगा This standard requires presenting a segment report in financial statements which. िल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर्स परफॉर्मेंस एनालिसिस जिसके अंदर परफॉर्मेंस एनालिसिस का फायदा होगा तो आगे इसके अंदर हम बाद में बताएंगे कि ये कैसे बनती है आगे लिखें सेगमेंट्स Represent components of business, each having separate. Risk and reward segments can be of two types business segments. Geographical segments Business segments are components of business. Having separate risk and reward in business environment. These segments. Can be based on products, production process, types of consumers, regulatory. रेगुलेटरी इन्वायरमेंट देवेश कह रहा है सर मैंने ट्वेल्थ क्लास में इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बनाया था वेरी गुड पांचवा पॉइंट जियोग्राफिकल सेगमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस Having separate the risk and reward in economic environments, these segments. Can be based <coughs> on location of customers, location of assets, currency, etc. <coughs> Sixth point Entity. Should identify its business segments or geographical segments as primary segments for this identification entity should evaluate <clears throat> dominant risk for users of financial statements. If dominant risk is relating to products, production process etc. Then business segments are considered as primary segments and geographical. Segments are considered as secondary segments. If dominant risk is relating to location of customers, assets, etc., then Geographical segments are considered as primary segments, and business segments are considered as. Secondary segments. Note For primary segments, detailed information is provided. <coughs> फिर आप मुझसे क्या पूछ सकते हैं अगला पॉइंट टू मेक सेगमेंट रिपोर्ट एंटिटी शुड आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट्स From its primary segment selection, अभी और लिखना है यहां तक आप पहुंच जाएंगे तो मुझे बताओ गौतम अभी तक तो हम तुम्हारी ही इंतजार कर रहे थे हर्ष कहरा लॉ की क्लास में मिलिट्री इक्विपमेंट वाली कंपनी को भी ए एस सत्रह से एग्जाम किया था हर्ष बेटा मिलिट्री इक्विपमेंट वाली कंपनी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ऐसी कोई स्टैंडर्ड में एग्जामिशन नहीं है वहां लॉ में कोई आपके पास स्पेशल चर्चा हुई हो तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है ठीक है लेकिन ऐसा कोई ए के अंदर या इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन मिलिट्री इक्विपमेंट का नहीं है ओके अक्षिता वृंदा ने लिख लिया वेरी गुड तुम्हें पता चल गया ना इनसे चूट ने डेट शीट निकाल दी है डेट शीट मतलब एग्जाम की डेट आ गई है मई के एग्जाम जो है वो पांच जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं योगेश हर्षा कशिश वनिष्का हैप्पी देव रेमी चलिए नहीं विनीता मैंने समझाया कुछ नहीं खाली लिखवाया बेटा अभी तक तो बच्चा कह रहा है हमारे तो एग्जाम नवंबर में है हाँ वो ठीक है बट फिर भी मैंने कहा बताते दे आपको हम कि आप अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ ठीक है भाई इस तरह करके है खुशी कह रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग में एडवांस का क्या मतलब है बेटा एडवांस अकाउंटिंग में एडवांस का कोई मतलब नहीं है फिर तुम मेरा मुंह खुलवा दोगे फिर बाद में मुझे कहोगे रिफंड दे दो <laughs> बहुत आसान है अकाउंटेंसी और एडवांस अकाउंटेंसी नाम बिना बात के एडवांस डाल दिया है 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 ये बहुत आसान पर रिफंड नहीं होगा ठीक <laughs> चलिए अब मेरे साथ साथ एक बच्चा कह रहा है आज मुख खोल दो खोल दिया ना कि बहुत आसान है एडवांस कुछ है ही नहीं है तभी तो साथ में कह दिया रिफंड भी नहीं है ठीक है चलिए शीतल हाँ, कह रहा है क्या ग्रुप वन की क्लासेस ग्रुप वन के बाद ही करनी चाहिए शीतल मतलब वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना लेकिन जैसे कि पहले क्लास में फर्क पड़ रहा है बस इतना तो अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो इसका ग्रुप वन से रिलेशन है इसके लिए फिर मैं आपको ग्रुप वन का एक छोटा वीडियो दे दूंगा कि आप उसको देख लेना तो आपको इन दैट केस बाकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी ओके तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे ग्रुप वन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ चलिए तुषार कह रहा लास्ट पॉइंट तुषार सबको मिलेगी बेटा किताबें जितने भी बच्चे हैं गूगल ड्राइव वगैरह सबको मिलेंगी किताबें टू मेक सेगमेंट रिपोर्ट एंटिटी शुड आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट फ्रॉम इट्स प्राइमरी सेगमेंट सिलेक्शन ठीक है ठीक है हरिओम तो मुझे ये बताइए अब मैं अपने पास आगे चलना चाहता हूं तो इसे घुमा दूं क्या क्या मैं और पहले इसको इतना समझा देते हैं जितना लिखा है इतना समझा देते हैं ठीक है फिर उसके बाद हम वापिस आ जाएंगे <coughs> <coughs> अब मेरे को पता है नहीं है मैं फिर भी बोलने जा रहा हूं लेकिन क्या कर सकते हैं जीवन में ऐसा हो जाता है कई बार <coughs> मुंबई इंडियंस मैच हार गई दिल्ली से ठीक है मेरा सवाल आपसे यह है बताओ कल्प्रिट कौन किसके ऊपर हम जिम्मा डालें मुंबई इंडियन के हारने का <coughs> मुंबई इंडियन हार गई दिल्ली से किसके ऊपर जिम्मा डालें कि मुंबई हार गई तो किस पर जिम्मा डालें? तो देखो मेरे पास अजीब अजीब आंसर आए हैं जिससे पता चलता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा ग्रुप तो बदल गया पर तुम्हारी अकल अभी भी नहीं आई कुछ कह रहे हैं अंपायर पे जिम्मा डाल दो कुछ कह रहे हैं मुकेश अंबानी पे जिम्मा डाल दो कुछ कह रहे हैं कैप्टन पे जिम्मा डालो जील कह रहे हैं पूरी की पूरी टीम पे जिम्मा डालो चलो ठीक है मैं आपको आपके इस सवाल को वापस ले आता हूं और मैं इधर बोलता हूं रामू रामू ने सीए फाउंडेशन का इम्तिहान लिखा और वो फेल हो गया रामू ने सीए फाउंडेशन का इम्तिहान लिखा और वो फेल हो गया मुझे बताना कितने नंबर चाहिए होते हैं फाउंडेशन में पास होने के लिए, लिए. दो सौ नंबर चाहिए आउट ऑफ कितने होते हैं चार सौ चार सौ में से कितने नंबर चाहिए उसको चार सौ में से दो नंबर चाहिए रामू फेल हो गया उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक अकाउंट्स है एक मैथ्स है एक इंग्लिश है एक इकोनॉमिक्स है और पता नहीं और कौन सा है ठीक है एक लॉ भी है चलो बहुत है इतना मुझे ये बताओ इसके फेल होने के लिए मैंने इसको कहा इसके 170 नंबर हैं। बताइए जिम्मा किस पर डाले जिम्मा किस पर डालें किस पर हम कह रामू एक कह रहा रामू पे जिम्मा डालो नहीं रामू पे जिम्मा नहीं एक कह रहा सी इंस्टीट्यूट पे जिम्मा डालो 170 नंबर आए हैं किस सब्जेक्ट की तैयारी में उसकी दिक्कत थी तो फटाफट से अमीशा कह रहे मैथ्स में उसके नंबर भाई अब मैं आपको ना अगर नंबर बता दूं तो क्या आप बेटर नहीं एनालाइज कर पाएंगे जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई अकाउंट्स में तो उसके नंबर थे तीस मैथ्स में उसके नंबर थे सत्तर इंग्लिश में उसके नंबर थे चालीस इकोनॉमिक्स में उसके नंबर थे बीस लॉ में उसके नंबर थे दस और अमीशा ने कहा उसका मैथ्स कमजोर है मैथ्स तो कमजोर निकला ही नहीं मैथ्स तो बहुत अच्छा निकला उसका आप मुझे बताओ उसे किसकी तैयारी करनी चाहिए चार दो और एक साथ उसे कि, उसकी किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए क्या अब वो फेल हो गया दोबारा पढ़ाई शुरू कर रहा है तो आप उसे क्या गाइडेंस देंगे मैथ्स दोबारा शुरू कर दे या आप किसके बारे में उसे कहेंगे तो आप यही कहेंगे ना कि भाई तेरा लॉ बड़ा कमजोर है तू तो लॉ पढ़ना शुरू कर तेरी इकोनॉमिक्स बड़ी कमजोर है तू तो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर तेरे पास अकाउंट आक, बड़ा कमजोर है वो पढ़ना शुरू कर आप ये थोड़ा कहोगे तू तो मैथ्स पढ़ना शुरू कर दे नो प्लीज टेल मी आपने ये उसको कहा कि तू अकाउंट्स को इको को और लॉ को पढ़ ये आपको पावर कहां से मिली क्या आपको यह पावर ऑफ इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही है कि आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन थी यह ग्लोबल इंफॉर्मेशन थी यह आइटमाइज्ड थी क्या आइटमाइज्ड इंफॉर्मेशन से आप ज्यादा बेटर एनालाइज नहीं कर पाए ग्लोबल से थोड़ा कुछ पता चलता है इसका मतलब यह कि हमें आइटमाइज चीजों से पता चला उसके अंदर वैसे ही मैं अगर मुंबई इंडियंस के अंदर कहूं कि इसमें प्लेयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मैंने कहा इस प्लेयर ने तो भाई पूरे के पूरे सौ रन बनाए थे इसने अस्सी रन बनाए थे ये पांच रन पे आउट हो गया यह जीरो 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 पे आउट हुए मुझे बताइए इसका कल्प्रिट मैच हारने का तुम फिर से कह दो चल भाई कैप्टन तू ही है तू तेरे साथ बेकार है तू गलत है तू ज़्यादा ऐसे थोड़ा होता है क्या आपको बेटर एनालिसिस इन चीजों को देखकर नहीं मिल पाता ये चीजें आपको बेटर एनालिसिस करवाती हैं फटाफट से मुझे हाँ बताओ जब तुम फील करोगे तो मुझे बताना सबने कहा हां सर हम इसको बात को फील कर रहे हैं अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको ये बात पता चल गई है तो मेरा आपसे सवाल है हालांकि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो इंडिया बेस्ड है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या आपको दिखाई पड़ रहा है किसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ठीक है ये बताओ ये सेल खाली एक चीज की होगी या कई चीजों की होगी फटाफट से बताओ ये सेल सिर्फ एक चीज की होगी कि कई चीजों की होगी तो कई चीजों की होगी फिर वैसे ये सर्विसेज के बारे में भी अदर इनकम के बारे में भी मटेरियल के बारे में भी और ऐसे ही प्रॉफिट के बारे में भी क्या आपको नहीं लगता ये प्रॉफिट कईयों से है अब मुझे बताओ रिलायंस का कौन सा हिस्सा मजबूत है और कौन सा कमजोर है क्या प्रॉफिट एंड लॉस से बता सकते हो आराम से सोचो भाई उसका कौन सा हिस्सा सही कमजोर है मैं इसमें भी दोषी निकालना चाहता हूं जैसे आप नंबरों में दोषी बता रहे थे मैंने कहा देखें इसके अंदर अंबानी साहब के बिजनेस में क्या वीक है और क्या कमजोर है और क्या स्ट्रांग है तो नहीं बता सकते ना शेयर तो होल्डर्स जो इसको यूज करेंगे इसका मतलब क्या प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी जानकारी नहीं मिलेगी तो हमें क्या करना चाहिए इसकी हमें सेगमेंट रिपोर्ट देखनी चाहिए यह है सेगमेंट रिपोर्ट ये है उसकी सेगमेंट रिपोर्ट जिसमें उन्होंने आपको पूरा समझाया है कह रहे हमारा रिफाइनिंग पर इतने की सेल हो रही है आ हा 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 पेट्रोकेमिकल पर इतनी हो रही है ऑयल एंड गैस पर इतनी हो रही है रिटेल पर इतना हो रहा है डिजिटल सर्विसेज पर इतना हो रहा पर इतना हो रहा रहा है, है। अदर पर इतना जरा मुझे फटाफट से बताना, आराम से देख करके सबसे ज्यादा सेल आप सत्रह अठारह की बात कर रहे हैं सोलह सत्रह मत देखना सबसे ज्यादा सेल जो हो रही है तीन ये 250 पिछले साल थी 125 सौ पच्चीस बावन सिक्सटी नाइन थाउजेंड तेईस हजार बारह हजार क्या तुम्हें रिलायंस डिजिटल जो है वो मजबूत दिखाई दे रहा है ऑयल एंड गैस और भी कमजोर दिखाई दे रहा है पेट्रोकेमिकल स्ट्रांग है रिफाइनिंग तो सबसे मजबूत है क्या आपको समझ में आ रही है बात इसका मतलब ये हो गया क्या सेगमेंट की जानकारी से आप बेहतर एनालिसिस कर पा रहे हैं फटाफट से मुझे बताइए क्या आपको पता चला कि ठीक है हमारे पास ऐसा ऐसा है अच्छा अब उसके बाद आगे चलते हैं आप और भी देखेंगे तो आपको यहां पर प्रॉफिट भी पता चलेगा कि तो चल तो बताई है।, है इसमें इक्कीस हजार है, है और बताओ ऑयल एंड गैस में तो लॉस है और फिर वैसे ही ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट है डिजिटल सर्विसेज में भी थोड़ा सा प्रॉफिट है अदर्स में भी थोड़ा सा प्रॉफिट है क्या आपको ज्यादा अच्छा समझ नहीं आ रहा है कि भाई रिलायंस भी कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस में लॉस में है हो हो रिलायंस भी कही न कहीं कहीं ना लॉस में है फिर उसके बाद मुझे और देखो जरा इसके अलावा किस जगह पर रिलायंस ने ज्यादा एसेट्स लगा रखे हैं आपको यह भी इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है कि उसके सेगमेंट के एसेट्स कहां कहां पर हैं उसने सबसे ज्यादा लोन कहां पर लिए हुए हैं उसने सबसे ज्यादा अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां कहां किया कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है नए एसेट्स कहां कहां खरीदे उसकी डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा कहां कहां पर है क्या आप मुझे ये बताओ सेगमेंट रिपोर्ट जो है वो किसी बिजनेस का बेटर एनालिसिस करवाने के लिए बेटर है द आंसर इज यस बच्चा कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर नेगेटिव कैसे हुआ मतलब उसने इन एसेट्स को बेचा होगा इससे मुझे समझ में आ रही है कि रिलायंस ने ऑयल एंड गैस में पैसा लगाया नहीं निकाल लिया है अब मुझे यह बताओ कि अब अल्टीमेटली हमने इतना कुछ समझा अब मुझे फटाफट से बताओ सेगमेंट का क्या मता? अथार्थ निकला वट डू मीन बाय सेगमेंट सेगमेंट मतलब बिजनेस के वो टुकड़े जिनको तुम एनालाइज करते हो इकट्ठे से नहीं पता चलता प्रॉफिट एंड लॉस तो इकट्ठा होता है तो हम उसके अलग अलग टुकड़ों को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कौन सा टुकड़ा मजबूत है और कौन सा टुकड़ा कमजोर है राम बीमार है राम बीमार है तो क्या उसकी टांगे खराब हो गई हैं आई जस्ट वॉन्ट टू नो राम बीमार है तो क्या उसकी टांगे खराब हो गई हैं नहीं आप ऐसे कैसे कह दोगे टांगे खराब हो गई हैं हमें वो सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी बिजनेस के अंदर भी हम लोग अपने पास बिजनेस के छोटे छोटे टुकड़े करके उसका एनालिसिस करते हैं दिस इज कॉल्ड सेगमेंट रिपोर्ट इसका मतलब हम अपने बिजनेस को अगर ये हमारा टोटल बिजनेस है तो हम अपने बिजनेस के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं उन टुकड़ों में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन सा टुकड़ा तो अल्टीमेटली बताओ जरा मैंने कितने टुकड़े बना दिए जरा बताना मैंने इसके अंदर कितने टुकड़े बना दिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह मैंने ग्यारह टुकड़े बना दिए क्योंकि आमतौर पे किसी बिजनेस में एक बिजनेस नहीं होता कई छोटे छोटे बिजनेस होते हैं मुझे बताओ डाबर डाबर के अंदर क्या केवल डाबर एक ही चीज बेचता है कि कई चीजें बेचता है जरा सारे बच्चे बताओ डाबर कई चीज उत्कर्ष ने कहा चवनप्राश बेचता है हनी बेचता है बहुत सारी चीजें बेचता है तो मुझे यह बताना पड़ेगा ना अगर मैं आपको कहूं कि डाबर कहां कमजोर है और कहां मजबूत है सारे बच्चे बताओ पतंजलि बाबा रामदेव अभी पिछले दिनों बाबा रामदेव के साथ बहुत बुरा हो रहा है मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ पतंजलि सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पर है बताओ जरा अब हम देखते हैं कि बाबा रामदेव का सबसे स्ट्रांग क्या है तो बहुत सारे बच्चों ने कहा सर उनके यहाँ पर कोरोनिल स्ट्रांग है कोई कह रहा है टूथपेस्ट स्ट्रांग है कुछ कह रहा है दंत कांती कुछ कह रहे हैं क्या मजे की बात है सिर्फ देवाशीष ने करेक्ट आंसर दिया उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला क्या है घी उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला क्या है घी अक्षिता नूडल्स उनके पता नहीं बिकते भी है कि नहीं बिकते इसका मतलब यू नो अबाउट इट्स तो आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है बिजनेस में कहां फोकस हो रहा है इनका ओके तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बिजनेस कई चीजों को जोड़कर बनता है यूजर को यूजर को कंबाइंड जानकारी दे देना कि हमका ये सेल है भाई साहब दस हजार करोड़ इससे उसको नहीं पता चलेगा अगर मैं उसको अलग अलग सेल बताऊंगा कि उसकी अलग अलग सेल कितनी है अगर मैं उसको अलग अलग सेल बताऊंगा तो क्या यह बेटर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे <coughs> क्या बेटर एनालिसिस नहीं हो पाएगी तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी सेल कितनी है इनका प्रॉफिट कितना कितना है इसमें एसेट्स कितने कितने लगे हुए हैं इसमें लाइबिलिटी कितनी कितनी लगी हुई है इसमें कैपेक्स कितना, कितना लगा हुआ है इसमें डेप्रिसिएशन कितने कितने की लगी हुई है अगर मान लीजिए मैं ये सब बातें बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको नहीं लगता एनालिसिस हो सकता है द पीपल कैन अंडरस्टैंड बेटर कि इसके बिजनेस के अंदर छोटे छोटे बिजनेस को देखें तो उसकी स्थिति यह है दिस इज कॉल्ड सेगमेंट रिपोर्ट इसे कहा जाता है सेगमेंट रिपोर्ट जो मैंने ही आपके सामने प्रस्तुत की और आज हम यही बनाना सीखेंगे कि किसी बिजनेस की सेगमेंट रिपोर्ट कैसे बनती है यह सीखेंगे क्या आपको इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन मिल गया कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं यह इस टॉपिक का एक इंट्रो था कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं हम अपने पास इस टॉपिक के अंदर सेगमेंट की रिपोर्ट बनाकर के देखने वाले हैं कि सेगमेंट रिपोर्ट कैसे कैसे बनती है जब मैं यह बात करता हूं तो अब अपने पास उस पॉइंट को देखते हैं तो उस पॉइंट में आपको कुछ बातें अब समझ में आना शुरू हो जाएंगी दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स यह स्टैंडर्ड रिक्वायर मतलब चाहता है दिल चाहता है तो ये स्टैंडर्ड क्या चाहता है ये चाहता है प्रेजेंट करो यानी बनाओ क्या बनाना है भाई एक सेगमेंट रिपोर्ट क्या आपने सेगमेंट रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज की देखी है अभी अभी कि कैसी सेगमेंट रिपोर्ट होती है हां तो ये एक चकोर रिपोर्ट होती है चकोर का मतलब क्या होता है बताओ यानी इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं ओके okay. ये एक सेगमेंट रिपोर्ट एक चकोर स्के रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हम एक तरफ क्या लिख देते हैं सेगमेंट और दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं इंफॉर्मेशन

ठीक है वो एक दूसरा मुद्दा है इंटरेस्ट को मैं कैसे दिखाऊंगा इसके अलावा हम डेप्रिसिएशन की जानकारी देते हैं इसके अलावा हम नॉन कैश एक्सपेंस की देते हैं मैंने कितनी आइटम बोली है सात आपने सुनी सात आपने ध्यान ही नहीं दिया मैंने सात आइटम बोली है मजे की बात है वो तुम्हें याद भी हो गई होंगी मैंने सात आइटम बोली है फिर से बोलू <coughs> फिर से बोलता हूं ठीक है इसको मैंने इस हाथ को अलग कर लिया अभी पहले पांच बोलता हूं खाली सेल की जानकारी देते हैं पहले मैं ना प्रॉफिट एंड लॉस में से सेल को उठाया है फिर प्रॉफिट की जानकारी देते हैं यानी कि रिजल्ट हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है तो फटाफट फड़ से बताओ दो चीजें कौन कौन सी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की बोली दो चीजें कौन कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस की बोली यह आपको याद तो करानी है मैंने तो मैं इसलिए याद साथ एक तो मैंने सेल बोला एक मैंने रिजल्ट बोला जिसे आप प्रॉफिट बोलते हैं उसको मैं रिजल्ट बोलता हूं कोई दिक्कत तो नहीं है रिजल्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस ओके इसके अलावा हम सेगमेंट एसेट्स की जानकारी देंगे लाइबिलिटी की जानकारी देंगे और एसेट्स में निवेश कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जानकारी देंगे तो तीन चीजें मैंने बैलेंस शीट से उठाई है फटाफट से बताओ तीन चीजें बैलेंस शीट की कौन कौन सी है एसेट्स लाइबिलिटी और नया कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पांच चीजें याद हो गई दो चीजें हम आपको और बताते हैं वो दो खर्चे हैं दो खर्चे हैं एक डेप्रिसिएशन और एक नॉन कैश एक्सपेंस सात आइटम याद हो गई आपको तो आप समझ लीजिए सेगमेंट रिपोर्ट तो आपको काफी हद तक याद ही हो गई और सारे के सारे बच्चे सातों की सातों आइटम मुझे बता दो मैंने आपको याद भी करा दी है सातों की सातों चीजें तो उसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में मैंने बताया सबसे पहले सेल उसके बाद रिजल्ट रिजल्ट result मतलब प्रॉफिट और लॉस फिर उसके बाद एसेट फिर उसके बाद लाइबिलिटी फिर उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन और फिर उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंस ओके अदर नॉन कैश एक्सपेंस यानी डेप्रिसिएशन के अलावा भी घबराए नहीं हम बाद में बताएंगे तो ये दिल चाहता है आ चाहता है कि बनाओ एक सेगमेंट रिपोर्ट कहां पर बनाओ भाई कॉपी में नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉपी में कौन बनाता है क्या तुम कॉपी में बनाते हो नहीं हम कॉपी में नहीं बनाएंगे हम कहां बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो की जो की प्रोवाइड मतलब देगा इंफॉर्मेशन फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस विश्लेषण करने के लिए हमारे कामकाज के विश्लेषण के लिए यह इंफॉर्मेशन होगी क्या सेकंड पॉइंट क्लियर है आपको हाँ, अब खुशी बेटा हम ये सातों चीजों पर लौट कर जब आएंगे ना तो चर्चा करेंगे अभी तो मैं आपको खुशी ये पॉइंट बता रहा हूं क्या ये पॉइंट क्लियर है अब आपको ठीक है <coughs> हमको बारी बारी चलना है ना तो हम अपने पास उतना उतना करते जाएंगे ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो कि हम ये अच्छा अब आपको एग्जाम में आ जाता है वट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आर वी अप्लाइंग स्टैंडर्ड तो क्या करोगे ऑब्जेक्टिव है फॉर टू मार्क्स फॉर फाइव मार्क्स या वट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द वट इज दब्जेक्टिव ऑफ दिस आई डोंट नो आप प्लीज बताओ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि लोग अच्छे से बेहतर प्रकार से एनालाइज कर सके मुझे ये बताओ इस स्टैंडर्ड में क्या आप कोई डबल एंट्री सीखने वाले <coughs> क्या आपको पता चला डेबिट यहां क्रेडिट यहां आप यहां कोई डबल एंट्री सीखने वाले हैं द आंसर इज नो आप एक रिपोर्ट बनाने सीख रहे हैं अच्छा ये रिपोर्ट किस किस को बनानी पड़ेगी क्या ये रिपोर्ट सभी कंपनियों को बनानी पड़ेगी द आंसर इज नो जो छोटी कंपनियां हैं उनको इस पे माफी है यानी छोटी कंपनियों को ये बनाने की आवश्यकता नहीं या छोटे छोटे व्यापारी जो कि लेवल दो तीन चार में आते हैं उनको भी बनाने की आवश्यकता नहीं यानी बड़े बड़े ही कंपनीज को या बड़ी बड़ी एंटिटीज को ही यह बनाने की आवश्यकता होती है आपने इंटरमीडिएट ग्रुप वन में यह पढ़ा था कि आइडेंटिफाई होते हैं इसका मैं एक स्मॉल वीडियो आपको दे दूंगा जिसमें यह पता चल जाएगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है इसका मतलब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ओके वेरी गुड क्वस्तु सेगमेंट की रिपोर्ट को बनाने का प्रोसेस यहां से शुरू होता है सारे बच्चे कहो सर अब हमारे को रिपोर्ट बनाने के लिए आप समझाओ कि इस रिपोर्ट में क्या बताना है वैसे इस रिपोर्ट है, मैंने आपको सेगमेंट और उसकी इंफॉर्मेशन ये बातें बतानी है ये बताना इंफॉर्मेशन में कितने मैंने बोले थे छ थे पांच थे आठ थे सात थे इंफॉर्मेशन में कितने क्लॉज बोले थे तो मैंने बोले थे सेवन क्लॉज मैं अभी इन पे फोकस नहीं कर रहा डोंट आस्क मी अबाउट दीज सेवन पॉइंट ओके भूल जाओ इन साथ को हालांकि मैंने आपको जिक्र कर दिया उस पर चर्चा बाद में करूंगा मैं यह जानना चाहता हूं यह सेगमेंट कैसे आइडेंटिफाई करें हम अपने बिजनेस के सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करें गौतम बेटा अगर तुमने ग्रुप वन नहीं पढ़ा हुआ है कि नॉन कंपनीज क्या हैं, तो मैंने कहा ना इसका स्मॉल वीडियो मिल जाएगा ठीक है ना लेकिन अगर हम अपने पास ग्रुप टू में ग्रुप वन को ले आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए चिंता ना करें स्मॉल वीडियो में आपको सब मिल जाएगा हाँ ग्रुप वन पढ़ा हुआ है वहां बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जब बेसिक बताया था तो वहां चर्चा कर रखी है आइए वापिस चलते हैं और हम अपने पास इन सेगमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम वो देखते हैं शशि क्या बच्चों को इसके ऊपर जो रखा है वो दिखाई दे रहा है क्या आपको जो मैंने यहां रखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा और टेढ़ा कर दे मान लेते हैं कि ये हमारा एल्डाइन का बिजनेस है ध्यान से सुनिए मान लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा कि ये हमारा एल्डाइन का बिजनेस है इसको ऐसे ही कर लेते हैं दिस इज एल्डाइन बिजनेस सारे बच्चे मुझसे पूछो कि एल्डाइन क्या क्या चीजें कराता है अब देखो अल्डाइन आजकल तो ये सब चीजें नहीं कराता तो पुरानी बात कर रहा हूं ठीक है तो पुरानी बात के हिसाब से बता रहा हूं हम क्या क्या कराते हैं तो आपको बता दूं हम लोग अपने यहां पर सबसे ज्यादा जो काम करते हैं दिन भर हम सी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं सबसे ज्यादा हमारे बिजनेस का ऑलमोस्ट पचास हिस्सा सी का बिजनेस है जिसके अंदर हम सी ए की क्लासेस लेते हैं जिसमें हम सी ए के सी ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ठीक है तो सारे के सारे आप मुझे फटाफट से बताओ हम अपने पास जिनको पढ़ाते हैं, वो है सीए स्टूडेंट्स, जिनको हम अपने पास अकाउंटेंसी की क्लासेस लेते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आओ, इसके अलावा हम और किन्हें पढ़ाते हैं तो मैं आपको बताता हूं हम इसके अलावा पढ़ाते हैं कंपनी सेक्रेटरीज़ को भी कंपनी सेक्रेटरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाते हैं कंपनी सेक्रेटरी सी लिखा मैंने और इसके अलावा हम अपने पास बीकॉम की भी क्लासेज लेते हैं ठीक है हम इसके अलावा बी की भी क्लासेज लेते हैं मुझे ये बताओ क्या ये जब जोड़ दूं तो हमारा टोटल बिजनेस नहीं हो गया अगर मैं ये सब जोड़ दूं तो क्या हमारा टोटल बिजनेस हो गया हाँ बिजनेस के मैंने अलग अलग हिस्से कर दिए मैंने कहा साहब ये हमारे पास एक बिजनेस का हिस्सा है ये एक और हिस्सा है ये एक और हिस्सा है मैंने बिजनेस के कई हिस्से कर दिए बताइए मैंने ये बिजनेस के हिस्से किस बेसिस पे किए हैं दिस इज माई पॉइंट हमने ये किस बेसिस पे किए हैं मैंने आपके सामने बिजनेस के टुकड़े कर दिए हैं पीयूष सेगमेंट तो ये है ये सेगमेंट है ये सेगमेंट है ये सेगमेंट है पर मैंने कहा मेरे दिमाग में कुछ बेसिस रहा तो स्टूडेंट्स हमारा प्रोडक्ट हमारा है बिजनेस बी कॉम हमारा प्रोडक्ट है कंपनी सेक्रेटरी मैंने वॉल्यूम वगैरह नहीं बोला भाई हमने कहा प्रोडक्ट ओके क्या आप किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट के हिसाब से टुकड़े कर सकते हैं फटाफट फड़ से मुझे बताओ क्या आप बिजनेस के टुकड़े कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स तो मैं आपको कोई बिजनेस बताता हूं आप मुझे उसके प्रोडक्ट्स बताना कि उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। कंपनी का नाम है इन्फोसिस बताइए उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। नाउ देर इज अ प्रॉब्लम यू मे नॉट नो कि इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बताता हूं शायद आपको पता हो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं hmm. और इनका क्या प्रोडक्ट है ये कॉरपोरेट ट्रेनिंग देते हैं इसका मतलब ये ट्रेनर हैं बहुत बड़े इनके पास लोग जाते हैं कि साहब हमें ट्रेनिंग चाहिए इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर एज सर्विस भी देते हैं क्या आपको पता है इसका क्या मतलब होता है क्लाउड सर्विसेज या इस तरह की सर्विसेज जिसमें कोई इनको ऑलरेडी चीज बनाकर दे देता है तो ऐसा ऐसा है सत्या की कह रहे हैं ये कंसल्टिंग भी देते हैं मैंने कहा बिल्कुल ठीक क्या आपको इनके ये प्रोडक्ट्स मिल गए दीज आर सेगमेंट्स ऑफ द कंपनी द आंसर इज ये कंपनी के सेगमेंट्स हैं मुझे बताओ किस बेसिस पे आपने इनको बनाया आपने प्रोडक्ट्स के बेसिस पे इन्हें बनाया आपने प्रोडक्ट्स के बेसिस पे इनको बनाया ओके okay? अच्छा सर सर हम अपने पास और भी किसी प्रकार से क्या बना सकते हैं मैंने कहा बिल्कुल हम बात करते हैं आपके साथ आ, हमारे दिल्ली में एक कंपनी है एनडीपीएल अब आप कहेंगे सर आपकी दिल्ली की कंपनियों के हम एग्जाम्पल कहां से ले आए दिल्ली की कंपनी है हम कहां से ले आए नाम है इसका नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड ये हमारे यहां पर बिजली सप्लाई करती है नॉर्थ दिल्ली पावर्स लिमिटेड ठीक है एन टी एनडीपीएल अच्छा मैं बताता हूं आप इनके अंदर से अच्छा, कंपनी क्या करती है यह बिजली सप्लाई करती है हर एक को बिजली सप्लाई करती है तो इसका एक ही प्रोडक्ट है बताओ प्रोडक्ट कौन सा है? इसका इलेक्ट्रिसिटी इसका एक ही प्रोडक्ट है और वो क्या प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी मैंने कहा आप इसको किस बेसिस पे करो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मैंने कहा आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से इसके टुकड़े कर दो टाइप ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से टुकड़े कर दो कार्तिक कुछ नहीं को कॉपी करना है सिर्फ सुनना है पहले बात को तो बिजली कंपनी किस किस को बिजली सप्लाई कर रही है तो भाई एक तो आ गया डोमेस्टिक वो डोमेस्टिक बिजली सप्लाई कर रही है इसके अलावा वो बिजली किसको सप्लाई कर रही है इंडस्ट्रियल वो इंडस्ट्रीज को बिजली सप्लाई कर रही है इसके अलावा कंज्यूमर की बात चल रही है रूरल वो किसानों को बिजली सप्लाई कर रही है क्या मैंने अपने पास सबको बिजली ही मिल रही है लेकिन मैंने उस बिजली को उस बिजली को टाइप्स ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर दिया द आंसर इज यस देर इज नो प्रॉब्लम कंटिन्यू टू लिसन बच्चा कह रहा है गवर्नमेंट वगैरह भी हो सकते हैं हो सकते हैं तो मैं अभी इसके ऊपर और नहीं जा सकता वैसे ही मैं इसके अंदर भी और नहीं जा सकता तो मैंने अपने पास मोटा मोटा तेजस बता दिया कि इस तरह के सेगमेंट हो सकते हैं ओके अच्छा खादी ग्राम उद्योग खादी ग्राम उद्योग क्या बेचता है वो खादी बेचता है मैंने कहा आप बेचता तो खादी ही है मैंने कहा प्रोडक्शन प्रोसेस पर बेस्ड प्रोडक्शन प्रोसेस पर बेस्ड सेगमेंट्स बनाओ प्रोडक्शन प्रोसेस पर बेस्ड तो दो बन जाते हैं हैंडमेड खादी और दूसरा मशीन मेड खादी तो दो हमने सेगमेंट बना दिए एक हैंडमेड और एक मशीन मेड आप समझिए जरा और पूछ रहा हूं आपसे मैं मैंने कहा साहब मुझे बताइए आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई के मैंने कहा बेसिस लो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इसके हिसाब से बताओ मुझे बताना आईसीआईसीआई पर कौन कौन से कानून लगते हैं कौन कौन से कानून लगते हैं कानूनी इनवायरमेंट तो भाई ये बैंकिंग का काम करते हैं तो बैंकिंग के कानून लगते हैं क्या ये इंश्योरेंस का काम करते हैं तो इंश्योरेंस के भी कानून लगते हैं ये ब्रोकर का सर्विसेज भी देते हैं स्टॉक मार्केट की तो इन पर सेबी के भी कानून लगते हैं ये सेबी हो गया ये आई का कानून हो गया ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया इसका मतलब हमारे पास ऐसे करके कई कानून हो गए मुझे फटाफट फड़ से मुझे यह बता दो हाँ बच्चा कह रहा है कंपनीज एक्ट तो लगता ही है बिल्कुल लगता ही है मेरा आपसे कहना है क्या मैंने कई बेसिस पर आपको एग्जाम्पल दिए कि कई देर कैन भी ये सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल दिए मैंने कहा साहब ये हमारे पास कई बेसिस हो सकते हैं दिस इज कॉल्ड बिजनेस सेगमेंट्स बिजनेस सेगमेंट्स ये सभी बिजनेस सेगमेंट्स हैं इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये बिजनेस सेगमेंट्स हैं द आंसर इज ये बिजनेस सेगमेंट्स हैं कोई कहे ये बिजनेस सेगमेंट्स हैं आप बोलेंगे हाँ ये बिजनेस सेगमेंट्स हैं कोई कहे ये बिजनेस सेगमेंट्स हैं आप बोलेंगे हाँ ये बिजनेस सेगमेंट्स हैं कोई कहे ये हम कहेंगे हाँ ये भी बिजनेस सेगमेंट्स हैं तो बिजनेस सेगमेंट्स का बेसिस क्या क्या हो सकता है मुझे फटाफट से बताओ बिजनेस सेगमेंट्स का बेसिस क्या क्या हो सकता है बिजनेस सेगमेंट का बेसिस प्रोडक्ट हो सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है टाइप ऑफ कंज्यूमर हो सकता है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हो सकता है इन बेसिस पर हम लोग अपने पास क्या बनाते हैं सेगमेंट बनाते हैं सेगमेंट बनाने का जिम्मा स्टूडेंट्स का होता है कंपनीज या का यानी एंटिटीज़ का ये किसका जिम्मा होता है कौन बनाएगा हु मेक सेगमेंट्स सेगमेंट्स जो हैं बिजनेस सेगमेंट्स बिजनेस सेगमेंट्स कौन बनाएगा इसका जिम्मा हमारा नहीं है ये हमने नहीं डिस्कस करना है इसका जिम्मा एंटिटी का होता है इसका मतलब एंटिटी क्या करेगी एंटिटी इनमें से किसी एक बेसिस पर अपने बिजनेस सेगमेंट्स बनाएगी क्या आपको मेरी बात समझ में आती है इतनी सी लाइन बोल रहा हूं तो आपको समझ में आएगी कि हर एंटिटी जिसको ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना है वो अपने बिजनेस सेगमेंट्स को बनाएगी तो वो कैसे कैसे बना सकती है बिजनेस के सेगमेंट्स को वो हो सकता है रेगुलेटरी इनवायरमेंट के हिसाब से बनाए वो हो सकता है प्रोडक्ट के हिसाब से बनाए वो हो सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से बनाए वो हो सकता है अपने पास टाइप ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से बनाए वो जैसे मर्जी बना सकती है तुषार कह रहा है क्या इससे भी ज्यादा बेसिस हो सकते हैं तुषार होते हैं बट दे आर नॉट नीडेड बाय एस फॉर फॉर आवर क्लासेज या मैं कह दू इंटरमीडिएट के लिए अच्छा प्रणय कह रहा है सर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट वाला फिर से बता दो प्रणय मुझे ये बताओ भारती जो भारतीय कंपनी है ये इन आपको मोबाइल फोन भी देती है तो इसका मतलब ये कि एक मोबाइल का इसका रेगुलेशन होगा कोई ना कोई टर, कौन सा रेगुलेशन है बताओ मोबाइल पर कौन सा रेगुलेशन लगता है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके मुताबिक वो काम करती है पर भारती का इंश्योरेंस का भी तो काम है तो उसके लिए तो कोई और कानून लगता है तो इसका मतलब वो कानून के हिसाब से भी बाइफ्रिकेशन कर सकती है आई होप यू अंडरस्टैंड इसका मतलब ये कंपनी की समस्या है ये मेरी आपकी नहीं है पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कंपनी कई बुनियादी तरीकों से इसे कर सकती है ठीक है ना कौस्तुभ है इसका बेसिस कौन डिसाइड करता है इसका बेसिस हम डिसाइड नहीं करते हैं इसका बेसिस कंपनी खुद डिसाइड करती है ओके इसका मतलब कंपनी को क्या लगता है वो अपने हिसाब से करती है अब सारे बच्चे बताओ बताओ रिलायंस का बेसिस कौन सा था फटाफट से बताओ। सारे बच्चे बताओ रिलायंस की रिपोर्ट आपने जब देखी तो उसमें भी आपके पास सेगमेंट बने हुए थे बताओ उसमें उनका बेसिस कौन सा था उन्होंने लिखा हुआ था डिजिटल और एक था ऑयल एक था रिफाइनरी ये क्या थे उनके ये उनके थे प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से कर रखा था ओके अच्छा हम आगे बात करते हैं <coughs> क्या आपको <coughs> ये डेफिनेशन में बेसिस समझ में आ गया ये वाला बेसिस हो सकता है सेगमेंट्स ये बनाए जा सकते हैं एंटिटी के द्वारा कैसे बनाए जा सकते हैं इन बेसिस पे अभी इसमें एक और भी चीज है ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है कॉम्पोनेंट एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे बच्चों में आपको फिर से बताना चाहता हूं यह स्टैंडर्ड हम प्रैक्टिकली भी करेंगे पर हम थियोरिटिकली वीक नहीं रहना चाहते कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर हम मजबूती से पता हो इसके पीछे क्या काम होता है बेशक हमने एग्जाम में नहीं करना है वो आपको एग्जाम में यह चीजों की खासतौर इसकी अगर मैं बात करूं तो यह डेफिनेशन आनी चाहिए और हां उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आ सकती है ठीक है ना <coughs> तो आप मेरे साथ साथ जरा इस बात को समझो ये क्या है तो बच्चे बार बार आईटीसी और पतंजलि के बारे में बात कर रहे थे आइए <coughs> हम आपके साथ बात करते हैं पतंजलि की या आईटीसी जिसकी आप कहेंगे उसकी बात करने के लिए तैयार हूं मैं किसकी बात करना चाहते हैं आप मुझे नाम बता दो सर हम इसकी बात करेंगे मैं उसी की बात करूंगा <coughs> लो भाई तो बड़े सारे बच्चों ने तो इसमें आईटीसी का नाम दिया है ओके okay. मुझे अब ये बता दो आईटीसी की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपने बिजनेस सेगमेंट्स को बेस्ड ऑन प्रोडक्ट बनाएगी नॉट मी द प्रोडक्ट्स ऑफ आईटीसी फटाफट से बताओ तो सबसे पहले एक बच्चे ने कहा जी सिगरेट्स आईटीसी के सिगरेट्स और बताइए बच्चे ने दूसरे ने कहा साबुन सोप और बताइए एक ने कहा रजिस्टर्स वेरी गुड बच्चा रजिस्टर पे लिख रहा है तो कह रहा है रजिस्टर्स एक ने कहा है चिप्स वेरी गुड चिप्स और बताइए एक ने कहा और कॉफी अच्छा एक बच्चे ने कहा होटल और इसके अलावा एक ने कहा नूडल्स एक ने कहा आटा मेरे ख्याल से मैं अब नूडल्स और आटा के बारे में बात ना करके मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं तो अब इसके सेगमेंट बनाएंगे अगर हम आईटीसी के अगर सेगमेंट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे हम कहेंगे पहला सिगरेट है दूसरा साबुन है तीसरा कॉपियां है चौथा चिप्स है पांचवा कॉफी है छठा नूडल है फिर आटा है और अभी तो मैंने कई लिखे ही नहीं अभी तो कई लिखे ही नहीं फिर एक होटल भी था क्या आपको लगता नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फील आनी चाहिए क्या आपको लगता नहीं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो भाई हमारा पेज ही खत्म हो जाएगा तो हमने क्या किया हमने कहा कि जो जो से भी कंपोनेंट हैं जिनका सिमिलर रिस्क है जिनका सिमिलर रिस्क एंड रिवॉर्ड है उसे आप एक बना दो आ जिनका सिमिलर रिस्क एंड रिवॉर्ड है उसको एक कर दो सर सर सिमिलर रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब क्या है इसका मतलब है उनमें सेम सेम ग्राहक हैं सेम तरह की हमारी पॉलिसी या मार्जिन है प्रॉफिट मार्जिन है ठीक है सेम तरह के हमारे कंपटीशन है अब ये एक बात बताओ कोई ऐसी कंपनी बताओ जो साबुन रजिस्टर चिप्स कॉफी नूडल आटा बनाती हो पतंजलि भी तो ये सब बना रहा है तो सेम तरह का कंपटीशन हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बना रहा है तो क्या आपको लगता नहीं कि ये सब के सब का सिमिलर रिस्क एंड रिवॉर्ड है ये एक जैसे प्रोडक्ट हैं क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक जैसे प्रोडक्ट हैं इनका एक जैसा प्रोसेस है एक जैसे ग्राहक हैं एक जैसा कंपटीशन है और अल्टीमेटली हम इनको एक ही बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स व्हाट वी कॉल देम इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और जैसे मैं बोलता हूं तो हमारे पास जानते हो कितने सेगमेंट बनते हैं बस खाली दो एफ एम सी जी एक सेगमेंट होटल दूसरा सेगमेंट क्या आपको मेरी बात समझ में आई <coughs> अच्छा एक बच्चा कह रहा उनका सीमेंट भी आता है तो मेरे को जानकारी नहीं थी पर अब, अब बिनीता ने कहा है उनका सीमेंट भी आता है तो मैंने कहा ठीक है सीमेंट उनकी तीसरी होगी मेरे ख्याल से हम ज्यादा चक्कर में ना पड़ के हमारा कोई काम करना नहीं है पर मुझे यह बताओ <coughs> क्या इस लाइन में जो आपने लिखा था

अच्छा एक बच्चा कह रहा है आई का सीमेंट नहीं आता एक मिनट के लिए क्या फर्क पड़ता है मैंने कौन सा आपको सीमेंट की बातें बात करनी है इसका मतलब क्या आप मुझे सिर्फ यह आश्वासन दो कि तुमने इसका रट्टा लगा लिया कि नहीं लगाया सीधी सीधी बात है बच्चा कह रहा है बार बार गाना सुनाओ <coughs> क्या गाना सुना है तुमको <coughs> जिंदगी ने हमारा गाना बना दिया है और तुम कह रहे हो गाना सुनाओ इसी बात पर हम एक सवाल कर लेते हैं क्या इसी बात पर आप एक सवाल करना चाहते आओ जरा बच्चा कह रहा है हमारे पास बुक नहीं है बिना बुक के सवाल हो जाएगा घबराते क्यों हो ये लो दिखाओ जी क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी एट हाँ, तुषार ये क्वेश्चन करके आपकी बात को फिर से समझते हैं ठीक है क्वेश्चन <coughs> नंबर है 28 पेज नंबर है 1.14 पेज नंबर है 1.14 जिनके पास किताब नहीं है दो लाइन का क्वेश्चन है यहां देखें बस <coughs> क्वेश्चन मिल गया हो तो हां का जवाब दे फटाफट से बताएं जिनको नहीं भी मिला है वो यहां देखें हाँ विनीता कोई बात नहीं बेटा आपके पास बुक नहीं है तो आप यहां देखें ठीक है माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूस बैटरीज फॉर स्कूटर कार ट्रक एंड स्पेशलाइज्ड बैटरीज फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस हाउ मेनी सेगमेंट्स शुड इट हैव एंड वाई फटाफट से बताओ ये बैटरी बनाती है कौन कौन सी बैटरी बनाती है बैटरी बनाती है फॉर स्कूटर कार एंड ट्रक तो ये बैटरी बनाती है फॉर स्कूटर ट्रक एंड कार और इसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड बैटरी बनाती है फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस मुझे फटाफट से बताओ क्या स्कूटर की बैटरी एक सेगमेंट कार की बैटरी दूसरा सेगमेंट ट्रक की बैटरी तीसरा सेगमेंट इन्वर्टर की बैटरी चौथा सेगमेंट यूपीएस की बैटरी पांचवा सेगमेंट क्या इसमें पांच सेगमेंट है या ये वाली बैटरी एक सेगमेंट स्पेशलाइज्ड बैटरी दूसरा सेगमेंट क्या इनका सेम तरह का रिस्क एंड रिवॉर्ड है और इनका सेम तरह का रिस्क एंड रिवॉर्ड है भाई स्कूटर कार ट्रक में क्या सिमिलर तरह की बैटरीज अप्लाई होगी सिमिलर तरह का रिस्क होगा सिमिलर तरह का रिवॉर्ड होगा सिमिलर तरह का मार्जिन होगा और इसमें सिमिलर तरह का तो भाई इसका मतलब हो गया रियल में सिर्फ और सिर्फ कितने सेगमेंट्स से हैं दो वाई टू भाई पूछ रहे हैं वाई टू क्योंकि आप कहेंगे स्कूटर कार और ट्रक के अंदर क्या है सेम रिस्क एंड रिवॉर्ड है और इन्वर्टर और यूपीएस में भी सेम रिस्क एंड रिवॉर्ड है तो सेम वालों को अलग अलग नहीं बोलते सेम वालों को बोलेंगे एक ही सेगमेंट है और वैसे ही इसको बोलेंगे एक ही सेगमेंट है तो हाउ मेनी सेगमेंट डू वी हैव इसका मतलब हमारे पास दो सेगमेंट है और इसका आंसर भी देखें केस ऑफ माइक्रोटेक लिमिटेड द बेसिक प्रोडक्ट इज बैटरीज बट रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ द बैटरीज फॉर ऑटोमोबिल्स ऑटोमोबिल मतलब स्कूटर ट्रक एंड कार एंड बैटरी फॉर इनवर्टर यूपीएस आर अफेक्टेड बाय द डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स कह रहा है ऑटोमोबाइल बैटरीज में रिस्क एंड रिटर्न के कैसे इफेक्ट होता है गवर्नमेंट पॉलिसी रोड कंडीशन क्वालिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स वेयर एज इन द केस ऑफ बैटरी फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर अफेक्टेड बाय पावर कंडीशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयर फोर इट कैन बी सेड एज माइक्रोटेक टू बिजनेस सेगमेंट्स ऑटोमोबाइल बैटरी एंड बैटरी फॉर यूपीएस एंड इन्वर्टर्स अगले पेज पर तो अगला क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दीजिए इसका मतलब हमारे पास बच्चा कह रहा है हमें पूरा आंसर दिख नहीं रहा था चलो कोई बात नहीं अभी थोड़ी सी ना थ्योरी चल रही है तो आपको थोड़ा सा बोरियत होगी लेकिन साहब बिना थ्योरी के बात नहीं बनेगी ना थ्योरी समझेंगे फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे हम अल्टीमेटली टारगेट ये रखेंगे कि हम अपनी बात को पूरा समझ के जाएं ऐसे नहीं हो कि हम खाली खाली हम रट्टे लगा के चले जाएं तो हमको उसका बैकग्राउंड पता होनी चाहिए रट्टा लगाने के लिए भी तो मुझे फटाफट से ये बताओ अगर मान लीजिए लॉकडाउन लग गया लोगों ने स्कूटर कार और ट्रक घर से बाहर निकालने बंद कर दिए तो क्या इसके ऊपर लॉकडाउन लगने से क्या इसके अंदर रिस्क एंड रिटर्न में मंदी आ जाएगी फटाफट से बताइए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली अनंत है कोई बात नहीं क्या हमारे पास लॉकडाउन में जब लॉकडाउन लगेगा तो क्या स्कूटर की बैटरी भी कार की बैटरी भी ट्रक की बैटरी भी क्या आपको लगता नहीं सेम रिस्क है या सरकार ने कह दिया कि दिल्ली में रोड कंडीशन जो है वो और इंप्रूव कर दी जाएंगी आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी आपकी सेल कम हो जाएगी लोगों की बैटरी अच्छी हो जाएगी इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा है अच्छा और बात करते हैं सरकार ने कहा अब बिजली पहले मिलती थी आठ घंटे डेली सरकार ने कहा नहीं अब हम देंगे आपको दस घंटे डेली क्या आपकी बैटरी की सेल पे फर्क पड़ेगा फटाफट से बताओ यस और नो लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सरकार की पॉलिसी से फर्क पड़ेगा मुझे यह बताओ क्या आपको नहीं लगता है कि इनमें सेम टाइप का रिस्क है यानी लॉकडाउन का रिस्क इस पर भी है इस पर भी है इस पर भी है इसमें बिजली की सप्लाई का रिस्क है तो जब आपको उनमें ना सेम टाइप का रिस्क लगता है लगता है कि भाई साहब अगर ये हुआ तो ये भी गया ये भी गया तो ये नहीं वो सेम रिस्क वाला है और अगर हम कहें कि नहीं ये बच जाएगा ये रिस्क में है तो वो डिफरेंट डिफरेंट रिस्क वाले हैं ओके इन दैट सिचुएशन वी कॉल इट कि वो हमारा सेम रिस्क नहीं है तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे <coughs> लिखो दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अब एट्स अब हम हमेशा नई किताब के क्वेश्चन ही नंबर देंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पहले ज्ञान की बात बताएंगे क्या लिखेंगे एज पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवेंटीन। सेगमेंट रिपोर्ट वेन एवर एनी एंटिटी Is identifying its segments, such components of business should have separate risk. एंड रिटर्न मतलब उनमें अलग रिस्क और रिटर्न होना चाहिए इफ दे आर हैविंग सिमिलर रिस्क रिटर्न देन वी कंबाइन देम एज वन सेगमेंट हम उसको एक सेगमेंट बना देते हैं इन द गिवन केस एनलिमिटेड हैज या एनलिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग बैटरीज फॉर्स कार स्कूटर एंड ट्रक्स दीज आर हैविंग सिमिलर रिस्क एंड रिटर्न इनपे सेम तरह का मार्जिन होता है वही आपका कंपटीशन जो होगा जो जो लोग कंपीट कर रहे हैं वही वाले होंगे भाई ये एक ही जैसे दुकानों पे बिकता है जहां कार बिकती है वैसी दुकानों पे स्कूटर पे बिकता है वैसी ट्रक पे बिकता है इनमें सेम तरह का रिस्क एंड रिटर्न है इट इज वन सेगमेंट ऑल्सो स्पेशलाइज बैटरीज़ फोर्स Inverter and UPS is having similar risk or return. Hence, this will be another segment. To conclude, <clears throat> M Limited have two segments battery for vehicles and battery for inverters UPS. हमें ये आंसर लिखकर आना है एग्जाम में अगर मान लीजिए हाँ प्राची मुझे फटाफट से बताओ कि अगर आप इन्वर्टर बेच रहे आप अपने पास बैटरियां बेचते हो तो जो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को बैटरियां बेचते हो उनका अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो अलग दुकानों पर बिकता है लेकिन यूपीएस इन्वर्टर अलग दुकानों पर बिकता है दोनों के अंदर अलग अलग मार्जिन होता है आपके इन्वर्टर में जब बेचते हैं तो आप अलग मार्जिन लेते हैं लेकिन ट्रक और स्कूटर में आप सेम तरह का मार्जिन लेते हैं क्योंकि वो एक जैसी बैटरीज होती हैं इनका प्रोडक्ट भी अपना एक जैसा ही होता है कार स्कूटर को अकॉर्डिंगली बनाया जाता है वो स्पेशलाइज्ड बैटरी है तो ये देखो यहां पर वर्ड लिखा है स्पेशलाइज्ड बैटरी है मतलब ये अलग तरह से बनती है तो यहां खाली बैटरी लिखा है ये मैंने ही नहीं लिखा किताब में लिखा हुआ है तो यानी कार स्कूटर में खाली बैटरी लगती है लेकिन यहां को स्पेशलाइज्ड बैटरी लगती है तो इसका मतलब इनमें रिस्क अलग होगा इनका रिटर्न अलग होगा इसका रिस्क अलग होगा इसका रिटर्न अलग होगा ओके तो वी हैव टू अप्लाईर कॉमन सेंस ऑल्सो तो हम अपने पास इस तरह के सवाल अगर आए तो हम इस तरह के सवाल भी कर सकते हैं अगर आए तो हालांकि डोंट वरी आपके पास इंस्टीट्यूट इस पर ज्यादा सवाल नहीं पूछता है क्योंकि स्टूडेंट्स को जानकारियां कम होती हैं अब जैसे बैटरी के बिजनेस के बारे में आपको जानकारी कम होगी इसलिए आप कहेंगे साहब ये तो हमको इस पेपर के लिए पहले बैटरियों का धंधा समझना पड़ेगा तो एक आधा सवाल ही और कुछ नहीं है इसके अंदर ठीक है ना तुषार ये प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस पे तुषार ये कंपनी की चॉइस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है हमें सिर्फ ये कहा कि उनका रिस्क और रिवॉर्ड एक जैसा होना चाहिए हाँ दिव्यांशी बुक आपको नहीं मिली है तो भी मिल जाएगी चिंता ना करें तो वापिस आओ और हमने आपको इसके बाद आगे कहा कि एक और भी जो होते हैं विच आर कॉल्ड जियोग्राफिकल सेगमेंट्स Now, come to the next point. एक होते हैं बिजनेस तो तो का का क्या क्या होता है? है। जरा बताना बताया बताया था? उसका बेसिस तो ये बताया था। मैंने कहा था उसका उसका ये ये मैंने कहा हो सकता लेकिन जोग्राफिकल सेगमेंट्स बिल्कुल वैसी डेफिनेशन लिखी है ये भी कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस होते हैं इनका भी सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है ये किस तरह के होते हैं ये बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ कस्टमर्स होते हैं लोकेशन ऑफ एसेट्स के हिसाब से हो सकते हैं तो किसी कंपनी में इस तरह के भी सेगमेंट्स बनाए जा सकते हैं अगर आप इन बेसिस पे सेगमेंट बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे दीज आर कॉल्ड जियोग्राफिकल सेगमेंट्स तो आइए हम इसको देखते हैं और वापिस आई पर ही चलते हैं मुझे यह बताओ ये सब काम हमें रियल में नहीं करना होता लेकिन मैं चाहता हूं इस थ्योरी को आप खाली कोरा रट नहीं समझ पाएंगे जब तक आप समझेंगे नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं तो आपको मैं खाली एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं कि देखो रियल में कैसे होता है यू डोंट नीड टू डू दिस प्रैक्टिकली इन योर लाइफ मुझे बताना आईटीसी के प्रोडक्ट के हिसाब से सेगमेंट कौन कौन से बनाए थे आपने आपने बनाए थे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होटल और सीमेंट्स ये आपने अपने पास बनाए थे बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स इनको क्या बोला आपने ये कौन से सेगमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड बिजनेस सेगमेंट्स वी कॉल देम बिजनेस सेगमेंट्स क्या आईटीसी अपने पास लोकेशन ऑफ कस्टमर के हिसाब से भी काम कर सकता है यानी वो अपने पास बेसिस क्या ले ले नॉट ये बेसिस है ना वो बेसिस क्या ले ले लोकेशन ऑफ कस्टमर क्या ऐसा कर सकता है वो जैसे आईटीसी कहता है कि उसकी नॉर्थ में साउथ में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया ईस्ट इंडिया भाई वो अपने कस्टमर के हिसाब से बोल रहा मैं मेरे नॉर्थ इंडिया में कितने कस्टमर हैं साउथ इंडिया में कितने कस्टमर हैं ईस्ट इंडिया में कितने कस्टमर हैं वेस्ट इंडिया में कितने कस्टमर हैं और आउटसाइड इंडिया कितने कस्टमर हैं आउटसाइड इंडिया मुझे बताओ क्या ये सेगमेंट नहीं बन सकते कि भाई आईटीसी का नॉर्थ इंडिया में कैसी पकड़ है आईटीसी की साउथ इंडिया में कितनी पकड़ है आईटीसी की ईस्ट इंडिया में कितनी पकड़ है आईटीसी की वेस्ट इंडिया में कितनी पकड़ है और आईटीसी की आउटसाइड इंडिया कितनी पकड़ है क्या ये भी तो बन सकते हैं अब सारे बच्चे ये बताओ हल्दीराम का नाम सुना हुआ आपने तो सबने कहा हां सुना हुआ है अगर आप में से कोई बच्चा नागपुर से है महाराष्ट्र तो बताओ जी हल्दीराम वहां पर कैसा काम कर रहा है नागपुर से अगर कोई है तो बताओ जरा नागपुर के अंदर हल्दीराम कैसा काम कर रहा है तो आप हैरान होंगे नागपुर में तो हल्दीराम दूध से लेकर के दूध मक्खन ब्रेड सब कुछ सप्लाई कर रहा है दूध भी आता है हल्दीराम का ब्रेड भी आता है और इसके अलावा बटर भी आता है और कोर्स हलवाई तो वो है ही है ओके ना प्लीज टेल मी दिल्ली के अंदर अगर कोई बच्चा है तो दिल्ली वाला बच्चा बताए क्या दिल्ली के अंदर भी हल्दीराम का दूध आता है हल्दीराम का ब्रेड आता है हल्दीराम का बटर आता है दिस इज माई क्वेश्चन टू यू जो दिल्ली में बच्चे हैं तो राघव वृंदा वो कह रहे हैं दिल्ली में तो सुना ही नहीं हमने इसका मतलब ये बताइए क्या हल्दीराम हो सकता है वेस्ट इंडिया में मजबूत हो और नॉर्थ इंडिया में मजबूत ना हो बोलो हां बिल्कुल ऐसा हो सकता है हाँ, तो अब एक बच्चा कह रहा है कि उनके यहां टिक्की आती है चलो यहां टिक्की आती होगी देर इज नो प्रॉब्लम बट आई वॉन्ट टू नो क्या आईटीसी भी हो सकता है नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मजबूत हो साउथ इंडिया में कम मजबूत हो ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा मजबूत हो वेस्ट इंडिया में कम मजबूत हो इन इंडिया बहुत मजबूत हो कैसा हो सकता है द आंसर इज यस इसका मतलब ये हो गया क्या ये भी सेगमेंट्स कहलाएंगे द आंसर इज यस ये भी सेगमेंट्स है

हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं स्टेप वन हम आईटीसी की बात कर रहे हैं और हम देखते हैं क्या होता है सेगमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आईटीसी चार्टेड अकाउंटेंट नहीं आईटीसी की मैनेजमेंट हमारा काम नहीं है आईटीसी का काम है सबसे पहले वो अपने पास कोई बेसिस सिलेक्ट करेगी जो कि प्रोडक्ट होगा प्रोडक्शन प्रोसेस होगा टाइप ऑफ कंज्यूमर होगा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होगा और उसके हिसाब से वो सेगमेंट बना देगी कोई भी हो सकता है दिस और दिस और दिस और दिस तो हमने कहा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हमने कहा होटल्स और हमने कहा आपके साथ सीमेंट और आईटीसी ने एक और बेसिस भी ले लिया और उसने कहा लोकेशन ऑफ कस्टमर या लोकेशन ऑफ एसेट्स या करेंसी इन पर बेस्ड उसने अपने पास कह दिया कि भाई रीजन वन टू थ्री एंड फोर फटाफट से बताओ दीज आर कॉल्ड बिजनेस सेगमेंट्स एंड दीज आर कॉल्ड जियोग्राफिकल सेगमेंट्स मेरा एक पॉइंट है क्या इसका रिस्क एंड रिटर्न इसके रिस्क एंड रिटर्न के साथ सेम होगा क्या अलग होगा दिस इज माई क्वेश्चन क्या इसका रिस्क एंड रिटर्न और इसका रिस्क एंड रिटर्न अलग होगा कि सेम होगा द आंसर इज डिफरेंट होगा ठीक है अच्छा वैसे ही इनका इसमें भी डिफरेंट होगा वैसे इसका इसमें भी डिफरेंट होगा वैसे ही इसका इसमें भी डिफरेंट होगा मेरे ख्याल से अब ये बात तो समझ पहले ही समझा दी कि हर एक का अपना अपना रिस्क एंड रिटर्न है उसके हिसाब से हम अपने पास काम करते हैं अभी तक थ्योरी चल रही है और अभी थ्योरी ही चल रही है हमें सेगमेंट रिपोर्ट में कितने पॉइंट्स बताने होते थे सेवन पॉइंट्स आईटीसी ने ये भी बना दिए ये भी बना दिए सात पॉइंट किसके बारे में बताओगे अब सात पॉइंट किसके बारे में बताओगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अस्सी नब्बे पूरे सो सो में लगा धागा चोर निकल के भागा चोर ने खाए बिस्किट नानी बोली वेरी वेरी गुड हम इसके बारे में सात पॉइंट बताएंगे क्या यह तरीका ठीक था जो मैंने आपके साथ अभी भी सिलेक्ट किया कि भाई अगर यह भी आईटीसी ने यह भी बना दिया और आईटीसी ने यह भी बना दिया तो हम क्या करेंगे इसके अंदर तो आईटीसी से हम अगला सवाल पूछेंगे कि बताओ इनमें से प्राइमरी कौन है प्राइमरी का मतलब क्या होता है वट डू मीन बाय प्राइमरी प्राइमरी का क्या मतलब होता है तुम प्राइमरी स्कूल में थे प्राइमरी का क्या मतलब होता है प्राइमरी का मतलब होता है प्राइम यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा एक होते प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी प्राइमरी के अलावा क्या होता है सेकेंडरी सेकेंडरी वर्ड बनाई किससे है सेकेंड से बना है इसका मतलब विच इज नॉट इंपॉर्टेंट ओके तो नाउ आई टी सी विल सिलेक्ट विच कैटेगरी इज प्राइमरी इसका मतलब या तो ये प्राइमरी होगी या ये प्राइमरी होगी ये किसको चुनाव करना है बताओ विच वन इज प्राइमरी ये किसको सिलेक्शन करना है ये भी आईटीसी को ही सिलेक्शन करना है हमारा काम नहीं है ये ये आईटीसी को ही बताना है विच वन इज द प्राइमरी भाई धंधे की जानकारी हमें होगी कि कंपनी को होगी सोचिए अब आप कहोगे नहीं नहीं एग्जाम में सवाल है हमें क्या पता भैया आईटीसी के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो आईटीसी वाले जानते हैं पर मुझे आपको बताना है ओके okay? पुरुषार्थ बार बार पूछ रहे हैं क्या इनके सब सेगमेंट्स होते हैं नहीं होते ना बेटा सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न चाहिए आई डोंट नीड सब सेगमेंट्स ओके okay? बाकी इस पर आओ पुरुषार्थ हम अपनी बात को पहले पूरा करेंगे ठीक है अब मैं आपसे कहता हूं अगर ये प्राइमरी है तो इनको हम क्या बोलेंगे <coughs> इफ ये प्राइमरी है देन ये क्या होंगे सेकेंडरी और अगर ये प्राइमरी है तो बताओ फिर सेकेंडरी कौन होंगे देन दिस इज सेकेंडरी इसका मतलब या तो ये प्राइमरी होंगे और ये सेकेंडरी होंगे या ये प्राइमरी होंगे और ये सेकेंडरी होंगे लेकिन हमें नहीं पता कौन सा होगा क्या मजे की बात है क्या इस बारे में कोई भी इंस्टीट्यूट ने सवाल आज तक पूछा है ना सवाल पूछा है ना थ्योरी पूछी है पर मेरे को आपको बताना है क्योंकि ये उसका रिक्वायरमेंट है क्योंकि स्टैंडर्ड में आता है कि कंपनी इस तरह से पहले सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करती है फिर वो चूज करती है ये प्राइमरी ये सेकेंडरी या ये प्राइमरी ये सेकेंडरी जिसके प्राइमरी बताएंगे हम उसके बारे में कितनी बातें बताएंगे सात बातें और जिसको हम सेकेंडरी बताएंगे उसके बारे में हम कितनी बातें बताएंगे दो बातें ये मैंने आपको समझाई नहीं है तो सेकेंडरी रिपोर्ट में कितनी बातें हो गई नौ बातें फटाफट से बताओ अगर इसके बारे में हम सात बातें बताएंगे तो इनके बारे में हम दो बातें बताएंगे अगर ये वाला होगा तो बताओ क्या होगा अगर कंपनी ने कहा ये सेगमेंट प्राइमरी है तो बताओ इनके बारे में कितनी बातें बताएंगे सात बातें और इनके बारे में कितनी बातें बताएंगे दो बातें क्या आपको मेरी बात समझ में आती है इसका मतलब यह हो गया कि भाई ये अगर तुमने तुम्हारे को तुम्हारे हिसाब से समझाते हैं खीर भी बनी है और नूडल्स भी बने हैं खीर भी बनी है और नूडल्स भी बने हैं तुम जो खा सकते हो सिर्फ नौ स्पून ही खा सकते हो तुम्हारे पेट में इतनी ही जगह है तुम नौ स्पून ही खा सकते हो तुम्हारी थाली में अब तुम क्या डालोगे फटाफट से बताओ तुम सात और दो की रेशो ही रखोगे यह भी ध्यान रखना है तुम सात और दो की रेशियो रखोगे तुम सारे के सारे नौ नहीं खा जाओगे तो तुम सेवन इंस टू टू में अगर तुम्हें खीर पसंद है तो बताओ तुम क्या करोगे तो तुम सात चम्मच खीर के डालोगे और दो चम्मच नूडल के डालोगे लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि सारे ऐसा करेंगे सारे ऐसा क्यों करेंगे कुछ कहेंगे नहीं नहीं हमें तो नूडल पसंद है तो वो कहेंगे हम नूडल प, अपने पास सात चम्मच नूडल रखेंगे और दो चम्मच हम खीर रखेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है हाँ, राधिका कह रहे है मेरे पेट में बहुत जगह ये मैंने कहा ना नौ ही स्पून खा सकते हो ज्यादा नहीं खा सकते घर में और भी लोग हैं ओके आर सम प्रॉब्लम्स और आप इसी रेशियो में आप काम करेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ा है वैसे ही अपने पास हम अपने कॉन्सेप्ट को इस तरह से लेके चलते हैं हाँ अभी पल मैंने इसके बारे में सेकेंडरी के बारे में दो बातें नहीं बता रखी है हालांकि वो अगर दो बातें तुम जानना चाहते हो तो एक रिजल्ट होता है और एक कैपेक्स होता है ठीक है ना रेवेन्यू सॉरी मैंने रिजल्ट बोल दिया रेवेन्यू और कैपेक्स ठीक है <coughs> तो मैंने आपसे कहा कि हम अपने पास इस तरह से सेगमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं अभी मेरी बात खत्म हुई नहीं है बात अभी बाकी है बात यहां तक थ्योरी है उसके बाद प्रैक्टिकल है यहां तक थ्योरी है ठीक है और लगभग हमारी थ्योरी खत्म होने वाली है अब बस थोड़ा सा तो थ्योरेटिकल पार्ट होता ही है ना आप कहो जी स्टैंडर्ड में थ्योरी होनी नहीं चाहिए पढ़िए जरा फटाफट से हमने यहां लिखा था जियोग्राफिकल सेगमेंट्स वो होते हैं जो कंपोनेंट होते हैं जो सेपरेट रिस्क पर बनाते हैं इकोनॉमिक एक, एनवायरनमेंट में लोकेशन ऑफ कस्टमर हो सकती है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आउटसाइड इंडिया वैसे ही एसेट पर बेस्ड भी हो सकता है हमने एसेट्स कहां रखे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आउटसाइड इंडिया करेंसी पर भी हो सकता है इंडिया जापान अमरीका ठीक है ना ऐसे करके भी सेगमेंट हो सकते हैं डिपेंड करता है यहां तक की बातें आपको मैंने बता रखी हैं यह सब थ्योरी आपको बता दी है यह भी समझा दिया है एंटिटी को अपने बिजनेस सेगमेंट्स और जियोग्राफिकल सेगमेंट्स को प्राइमरी सिलेक्ट करना चाहिए इसके लिए उसे क्या देखना चाहिए डोमिनेंट रिस्क व्हाट इज डोमिनेंट रिस्क वट ड्यू मीन बाय डोमिनेंट डोमिनेंट का क्या मतलब होता है व्हाट डू मीन बाय डोमिनेंट नालायकों जो ब्रेक मांग रहे हैं डोमिनेंट का मतलब है प्रभावशाली क्या है ना कुछ बच्चे हो सकता है उतने अच्छे से हिंदी ना समझते हो तेजस क्या तुम्हारे को वर्ड प्रभावशाली का मतलब पता है कि नहीं पता है प्रभावशाली मींस वेरी स्ट्रोंग ओके इसका मतलब शेयर होल्डर्स के लिए अगर लगता है कि डोमिनेंट रिस्क अगर डोमिनेंट रिस्क हमारे पास है प्राइमरी के लिए बिजनेस तो आप इसको प्राइमरी बोलेंगे इसको सेकेंडरी बोलेंगे एंड ऑल्टरनेटिवली आप इसको चेंज कर सकते हैं यही बात हमने यहां पर लिखी है अगर डोमिनेंट रिस्क जो है वो प्रोडक्ट का या बिजनेस का है तो आप बिजनेस सेगमेंट्स को क्या बोलेंगे प्राइमरी और जियोग्राफिकल को क्या बोलेंगे सेकेंडरी नो प्रॉब्लम दूसरी बात अगर डोमिनेंट रिस्क जो है वो लोकेशन है कस्टमर की एसेट्स की तो ऐसे में जोग्राफिकल सेगमेंट्स प्राइमरी होंगे और बिजनेस सेगमेंट्स सेकेंडरी होंगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हाँ दिव्यांशी अभी आएंगे ना कैपेक्स पर आएंगे चिंता मत करें आ, सम्यक कह रहा है क्या कोई कंपनी दोनों को भी बना सकती है सम्यक हमारे स्टैंडर्ड में अलाउड है बट मैंने आपके साथ डिस्कशन नहीं किया है कि हम दो प्राइमरी भी बना सकते हैं यानी कि सात पॉइंट इसके और सात पॉइंट इसके भी दे सकते हैं दिट इज कॉल मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन बट मुझे वो नहीं चाहिए आप छोटे बच्चे हैं तो मैंने कहा हम अपने पास नॉर्मल रिपोर्ट बनाएंगे तो नॉर्मल रिपोर्ट में एक के साथ और एक के दो पॉइंट होंगे ओके चलिए वापिस आते हैं और हमने कहा प्राइमरी सेगमेंट्स के अंदर हम ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं कितनी ज्यादा हम प्राइमरी सेगमेंट्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं कितनी ज्यादा भाई हम सात पॉइंट देते हैं बल्कि सेकेंडरी में कितनी देते हैं हम खाली दो पॉइंट देते हैं इसका मतलब यह चुनाव करना जरूरी है मुझे यह बताओ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में सात पॉइंट बताए हुए हैं तो उसने किसको डोमिनेंट माना है फटाफट से बताओ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बिजनेस के सेगमेंट्स के तो को तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते जो बताएगा वो बताएगा हमने क्या बताना उसके अंदर यहां तक की तो थी थ्योरी अब आ रही है बात प्रैक्टिकल की क्या अब आप यहां से सातवें पॉइंट से प्रैक्टिकल के लिए तैयार हैं अब मेरा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है अभी तक आप थ्योरी पढ़ रहे थे और अब आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होता है कई कहेंगे बताओ पहली क्लास में हमको इन्होंने उठा के इतना बोर कर दिया साहब ये मेरा काम है क्या कर सकते हैं जरूरी है कि थ्योरी भी आनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी आना चाहिए तो आप ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि शर्मा जी ने थ्योरी नहीं करा रखी है थ्योरी भी करके भेज जाएंगे आप हम यहां आपको ब्रेक देंगे और ब्रेक के बाद जब आप लौट कर आएंगे तो मैं आपके साथ प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करूंगा ठीक है <coughs> तो वी हैव अ शॉर्ट टेन मिनट्स ब्रेक क्या आप लोग वापस आ गए हैं सब बच्चे कह रहे हैं हाँ हम वापस आ गए हैं तो हम लोग अपने पास अब अगली चर्चा पे जा रहे हैं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है डू नॉट राइट ठीक है मुझे आपको समझाना है इसलिए हम बात कर रहे हैं सोनिया हर साल चुनाव अलग होता है ठीक है एवरी ईयर मैं आपको एक सेगमेंट रिपोर्ट का परफॉर्मा दे रहा हूं ए बी सी आदर्श एलिमिनेशन टोटल कितनी बातें बताते थे मैं भूल गया एक बताते थे रेवेन्यू एक बताते थे रिजल्ट एक बताते थे लाइबिलिटीज एक बताते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको कैपेक्स भी बोलते हैं ठीक है ना कैपेक्स कैपेक्स इसके अलावा आप बताते थे अपने पास डेप्रिसिएशन इसके अलावा बताते थे अदर्स नॉन कैश एक्सपेंसेस आपने कुछ ड्रॉ नहीं करना है एक्स वाई जेड रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर बताओ कौन सी रिपोर्ट कौन सी है <coughs> कौन सी रिपोर्ट कौन सी है पहली वाली रिपोर्ट कौन सी है पहली वाली रिपोर्ट है प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्ट और वो दूसरी वाली कौन सी है वो है सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्ट ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हम आपके साथ पढ़ रहे हैं मैंने अभी इस पर चर्चा नहीं की है मैंने आपको इस पर कोई चर्चा नहीं की है मैंने अभी आपको इस पर भी चर्चा नहीं की है तो देर इज नो क्वेश्चन आस्किंग कि इन चीजों में कोई चीज समझा दो ठीक है मैंने आपको जो ये कहा मैंने कहा मान लो देर इज कंपनी कॉल्ड एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड ने अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट तथा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन उसने सेगमेंट्स बना दिए अपने पास ए बी सी डी ई एफ जी फटाफट से बताओ उसने कितने सेगमेंट बना दिए आईटीसी में तीन थे मैंने यहां कितने बना दिए एक दो तीन चार पांच छ और सात मैंने सात सेगमेंट बना दिए और मान लो लोकेशन के हिसाब से मैंने पांच सेगमेंट बना दिए, ठीक है एक्स वाई जेड पी क्यू बस पांच सेगमेंट बना दिए मैंने देर इज नो प्रॉब्लम ये एंटिटी बनाएगी बेसिस का सिलेक्शन करने के बाद इनको क्या बोलेंगे फटाफट से बताओ वी कॉल देम एज बिजनेस सेगमेंट इनको क्या बोलेंगे वी कॉल देम जियोग्राफिकल सेगमेंट्स इसके बाद क्या करना पड़ता है एंटिटी को बताओ जरा इसके बाद एंटिटी चुनाव करेगी या तो ये प्राइमरी या ये, ये प्राइमरी अगर इफ दिस इज प्राइमरी तो ये सातों के सातों क्या बन गए ये सातों की बनेगी प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्ट ओके okay? और ये दिस विल बी सेकेंडरी देन दिस इज सेकेंडरी ये भी कौन करेगा काम बताओ जरा एंटिटी विल मेक सिलेक्शन एंटिटी का ही काम है कि प्राइमरी कौन और सेकेंडरी कौन अभी तक कोई दिक्कत नहीं तेजस कह रहा है डोमिनेंट रिस्क का क्या मतलब हुआ भाई अगर उनको लगता है कि शेयर होल्डर्स के लिए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब वो इनके बारे में सात पॉइंट बताएंगे और इनके बारे में दो पॉइंट बताएंगे ओके okay, तेजस जैसे मान लीजिए तुम्हारा रिजल्ट आया फाउंडेशन का तो मुझे लगता है मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं बोलूंगा बेटा अपने मार्क्स बताओ जरा कितने कितने मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब ये कि व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट हम उसको अपने पास प्राइमरी बोलते हैं ओके और जिसको प्राइमरी बोलते हैं उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी देते हैं जिसको प्राइमरी नहीं बोलते हैं उसको हम ऑल्टर दो पॉइंट देते हैं वापिस आएंगे थोड़ी देर बाद अब मुझे यह बताइए <coughs> कितने सेगमेंट थे ए बी सी डी ई एफ जी जब इसकी प्राइमरी रिपोर्ट बनेगी तो क्या ये सारे के सारे सेगमेंट यहां पर आएंगे और मैंने तो यहां पर इन सब को अदर बना दिया अब कौन ऐसा है कि इनमें से जो मुख्य मुख्य डिब्बे में आएगा और कौन है जो अदर में जाएगा दीज आर कॉल्ड रिपोर्टेबल सेगमेंट्स इनको क्या बोलते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट जिनका अलग कॉलम बनेगा और जिनका अलग कॉलम नहीं होगा कंबाइन हो जाएंगे वो क्या होगा अदर्श होगा बाप रे बाप एक बच्चे ने कहा जिनका सिमिलर रिस्क एंड रिटर्न है मजे की बात तो ये है क्या इन दोनों का रिस्क एंड रिटर्न अलग है सबका अलग अलग है रिस्क एंड रिटर्न तो सबका अलग है। तो सबका अलग है फिर भी हम इनको कंबाइन कर देंगे और इनको कंबाइन नहीं करेंगे आस्क मी आस्टमी क्वेश्चन ये कौन करेगा चार्टेड अकाउंटेंट करेगा नाउ दिस इज योर रोल हम क्या करेंगे हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या आइडेंटिफाई करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स रिपोर्टेबल सेगमेंट्स मतलब ये जिनका अलग डिब्बा बनेगा डिब्बा मतलब अलग कॉलम बनेगा अच्छा जो भी सेगमेंट इनमें से नहीं बन पाया रिपोर्टेबल वो क्या हो जाएगा वो अदर के नाम से आएगा दैट विल गो टू अदर्स नेम अच्छा अब एक बच्चे ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं मैंने कहा इसकी चर्चा तो मैं थोड़ी देर बाद करूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं पहले मैं बता तो दू हम क्या कर रहे हैं तभी तो उसकी चर्चा समझा पाऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ठीक है थीके? तो पहले आपको मेरी बात समझ में आई है तो मैंने कहा पहले बिजनेस सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करो फिर देखो क्या वो प्राइमरी सेगमेंट्स है फिर देखो क्या वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं बाकी जो बच गए उनको अदर बोलते हैं और वो सेगमेंट रिपोर्ट में आते हैं अब रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को चुनने के लिए हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है अगर आप जानना चाहें तो नाउ दिस इज योर प्रैक्टिकल पार्ट कि हम कैसे चूज करेंगे एंड ऑफ कोर्स बाद में रिपोर्ट बनाऊंगा वो भी प्रैक्टिकल पार्ट होगा तो यहां से आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है क्या मैं शुरू कर दूं आप ब्रेक से लौट आए हैं और मैंने अपना फिर से वापस से डिस्कशन किया है कि वेयर आर वी स्टैंडिंग वी आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट विद नीड टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट ओके सुनिए ध्यान से अब फिर हम सवाल भी करेंगे किताब में से भी सवाल करेंगे सभी बच्चे यहां पर देखेंगे और देखो दोस्त मेरे को अंदर से पता क्या एहसास होता है कि जब तक आप लोगों के आंसर्स उस तरह तरह से से नहीं आएंगे जिस तरह से मुझे चाहिए मुझे लगता रहेगा कि आपको सभी समझ कम आई है इसलिए आपके आंसर आवश्यक हैं ठीक है थीके? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और मुझे आंसर देंगे भाई ये रफ पेपर है ये रफ पेपर है मैंने रफ पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूं ठीक है एक और भी यूज करना है पेपर मुझको दो पेज निकाल लेता हूं यह रफ पेपर है एक साइड वेस्ट है देर इज नो प्रॉब्लम ओके ये मैंने यहाँ रख दिया सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे बीच में यह ऑडियो वीडियो के अंदर गैप आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है यहां प्लीज लिसन <coughs> ये एक बिजनेस है मैंने इस बिजनेस के टुकड़े कर दिए सारे बच्चे ये बताओ जो मैंने ये टुकड़े कर दिए इस बिजनेस के क्या स्टिल इट विल रिमेन टोटल विल रिमेन बिजनेस टोटल बिजनेस तो वही रहेगा ना जो कंपनी का है तो ध्यान से देखिए सब बच्चे देखें अगर मैं इनको यहां पर अलग ना रख दूं तो ये अलग अलग बेसिकली क्या है ये सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस है बिजनेस के छोटे छोटे टुकड़े हैं कुल मिलाकर ये एक बिजनेस ही है ये एंटिटी के ही टुकड़े करके रखे हुए हैं ये मैंने सारे के सारे किसी बेसिस पे डाले होंगे किसी बेसिस पे डाले होंगे तो सारे बच्चे बताओ अब आप बताओगे शशि दूसरा वाला स्टैंड ला देना ये मैंने बेसिस बोलने जा रहा हूं आप मुझे बताना ये कौन सा बेसिस है मैंने कहा मैंने ये टाइप ऑफ कंज्यूमर्स के हिसाब से सेगमेंट्स बना दिए बताओ ये कौन से सेगमेंट्स हैं मजनू भाई मजनू भाई वो कह रहे हैं ये ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स से हैं मैंने टाइप ऑफ कंज्यूमर्स इंडस्ट्रियल कंज्यूमर रूरल कंज्यूमर डोमेस्टिक कंज्यूमर ये कौन से सेगमेंट्स थे दीज आर माय बिजनेस सेगमेंट्स कोई दिक्कत तो नहीं है ये मैंने बना लिए क्या ये टोटैलिटी में अगर कहूं तो ये केवल एक बिजनेस रिप्रेजेंट करता है फटाफट से बताओ क्या ये बिजनेस रिप्रेजेंट करता है द आंसर इज यस ये केवल बिजनेस रिप्रेजेंट करता है वापिस आ जाओ मैंने फिर इसी बिजनेस के फिर टुकड़े कर दिए अच्छा मैं कौन हूं मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं कि कंपनी हूं <coughs> मैं बिजनेस हूं मैं एंटिटी हूं ठीक है ये लीजिए <coughs> मैंने फिर से टुकड़े कर दिए सारे बच्चे बताइए अब मैंने जो टुकड़े कर दिए अब मुझसे पूछो सर बेसिस क्या है <coughs> सारे बच्चे पूछो मुझसे कि इनका बेसिस क्या है तो मैंने कहा बेटा इनका बेसिस करेंसी है इनका बेसिस करेंसी है बताइए ये कौन से सेगमेंट्स से? है फटाफट से बताओ ये कौन से सेगमेंट है दीज आर जियोग्राफिकल सेगमेंट्स यू आर चार्ट अकाउंटेंट आई एम नॉट चार्टेड अकाउंटेंट यू आर चार्टेड अकाउंटेंट्स नाउ यू नीड टू मेक प्राइमरी रिपोर्ट क्या आप इनकी प्राइमरी रिपोर्ट बनाओगे या इसकी प्राइमरी रिपोर्ट बनाओगे फटाफट फ़ड़ से बताओ जय जया आप किसकी प्राइमरी रिपोर्ट बनाओगे रितिका ने बिजनेस की बोला है और यचिका ने बिजनेस की बोला अरे भाई मुझसे पूछो ना तुम तो मुझसे पूछो बोलो शर्मा जी डोमिनेंट रिस्क किसका है च वन इज कंसिडर टू बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर द शेयर होल्डर्स मुझसे पूछो तुम अपनी मर्जी से कैसे बता सकते हो आन विच वन इज डॉमीनेंट फॉर दर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाई द शेयर होल्डर्स तो मैंने आपसे कहा तेजस ने गलत जवाब दिया तेजस मुझसे पूछो तुम बोलो शर्मा जी डोमिनेंट ये है कि डोमिनेंट ये है फिर मैं तुम्हें जो कहूंगा उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाओगे पूछ रहे हैं तेजस तुमको बोल रहे हैं सर डोमिनेंट रिस्क कौन सा है डोमिनेंट का मतलब होता है विच आई कंसिडर इज इंपॉर्टेंट ओके तो इसके अंदर मैं बताऊंगा मैंने आपसे कहा मैंने कहा आई कंसिडर दीज टू बी इंपॉर्टेंट मैंने आपसे कहा ये इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में मैंने कहा इसको अभी साइड पे रख देते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है अब ये बताओ अब आप इनके बारे में कितने पॉइंट्स रिपोर्ट करने वाले हैं इनके बारे में सात पॉइंट रिपोर्ट करने वाले हैं बट बिफोर दैट देर इज वन पॉइंट जो आपने करना है मैंने आपकी थाली में ये रखे हुए हैं क्या आप सबके बारे में सात पॉइंट 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 देंगे द आंसर इज नो अब आप इनमें से देखोगे अब आप बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा अब आप बोल रहा हूं आप कहोगे हम्म hmm. ये रिपोर्ट होगा हम्म ये भी रिपोर्ट होगा हम्म ये भी रिपोर्ट होगा और आपने कहा ये तो छोटा है ये तो छोटा छोटा है ध्यान रखना रिस्क सबका अलग अलग है क्या सबका रिस्क अलग अलग है रिस्क सबका अलग अलग है पर आपने कहा तो छोटू है ये भी 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 छोटू है आपने सारे छोटुओं को जोड़ करके उन्हें एक बना दिया फटाफट फ़ड़ से बताओ आपकी सेगमेंट रिपोर्ट में कितने कॉलम होंगे बट, फ़ड़ से बताना कितने कॉलम होंगे एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम और सारे के सारे छोटुओं का कॉलम एक हो जाएगा इसका मतलब यह बताओ कि क्या कंपनी के बड़े सारे सेगमेंट्स से, हैं तो तब भी ये बहुत सारे रिपोर्ट होंगे है तो बड़े सारे पर हमने कहा हम सारे छोटू 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 सेगमेंट को इकट्ठा कर देते हैं और बड़े बड़े बिग 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 हम बिग बिग सेगमेंट को अलग कर देते हैं इसको ही आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट कहलाता है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को ढूंढना हाँ, निकिता कह रहे है, ये कैसे समझेंगे पहले निकिता समझ तो लो कि मैं बताना क्या चाहता हूं मैं वो बताना चाहता हूं ये अच्छा ये बताओ अगर मान लो मैं आपको कहता मैं आपको कहता कि ये प्राइमरी सेगमेंट ही नहीं है मैं कहता वो प्राइमरी है फिर आप क्या करते मुझसे मैं आपको कहता नहीं नहीं ये तो प्राइमरी नहीं है फिर आप क्या करते फटाफट से बताओ अमीशा फिर हम क्या करते हैं? मैं आपसे कहता हूं सॉरी गलती हो गई है, तो प्राइमरी नहीं है तो मैं इनको साइड पर रख देता इनको मैं साइड पर रख देता और फिर सामने किसको लाता फटाफट से बताओ फिर मैं सामने किसको लाता मैं इसको तो साइड पर रख दिया फिर सामने किसको लाता फिर मैं जोग्राफिकल को अपने सामने लाता और बताओ क्या इसमें भी इसमें भी छोटू अलग करने पड़ते और बिगू अलग करने पड़ते हाँ मैं कहता हूं ये बिग है ये बिग है मैंने कहा ये ये भी बिग है और ये और ये तो छोटू है ये भी छोटू है ये भी छोटू है और ये भी छोटू है तो मैंने अपने पास मैंने अपने पास बताओ फिर मैं सात पॉइंट किसके बताता सात पॉइंट इसके बताता सात पॉइंट इसके बताता और सारे छोटुओं को जोड़ करके मैं एक सेगमेंट बना देता और इनके साथ में बताता अब मुझे फटाफट फड़ से बताओ कि आपको अदर्स का मीनिंग समझ में आ रहा है मैं जब बोलता हूं ए बी एंड अदर्स तो ये ज्योग्राफिकल में भी हो सकता है और अगर मान लो डोमिनेंट रिस्क ये ना होता मैं आपसे कहता अरे यार फिर से गलती हो गई वही डोमिनेंट था ऐसा भी तो हो सकता है <coughs> मैंने कहा हाँ अगर ऐसा होता अगर ऐसा होता तो फिर से आप अरे देखो उड़ ही गए बेचारे इतने छोटू थे दो तो छोटू उड़ ही गए तो हम अपने पास फिर से इनमें से चूज करेंगे हम, बड़ा क्या बड़ा क्या बड़ा क्या ये रहा बड़ा बड़ा क्या बड़ा क्या बड़ा क्या ये रहा बड़ा और बड़ा क्या बड़ा क्या ये रहा बड़ा और बड़ा क्या बड़ा क्या ये रहा बड़ा और ये छोटू 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 और छोटू फटाफट फड़ से बताओ आई होप आप मेरी बात को विजुलाइजेशन से समझ पा रहे हैं तो मैंने कहा मैं अपने पास इसके बारे में रिपोर्ट बनाऊंगा इसके बारे में सात पॉइंट बताऊंगा इसके बारे में सात पॉइंट बताऊंगा इसके बारे में सात बताऊंगा और सारे के सारे छोटुओं का एक सेगमेंट बना दूंगा यहां तक बात समझ में आई अभी तक मैंने थियोरिटिकल बताया अब आप सारे मुझसे पूछो छोटू को और बिग्गू को पहचाने कैसे ना आस्कमी की छोटू को और बिग्गू को पहचाने कैसे यह तुम्हारा काम है यह मेरा काम नहीं है यह तुम्हारा काम है कौस्तुभ ने कहा हां हा, बताओ सर छोटू को और बिग्गू को पहचाने कैसे मैंने कहा अब सुनो जिस ध्यान से सुनना अब यहां से शुरू हो रहा है नया कॉन्सेप्ट जिस सेगमेंट की सेल जिस सेगमेंट की रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब सेल दस परसेंट या उससे ज्यादा है वो बिगू है फिर से बताओ मैंने क्या बोला जिस सेगमेंट की सेल दस परसेंट या उससे ज्यादा है ऑफ टोटल सेल्स वो बिग सेगमेंट है और जिनकी दस परसेंट से लोअर सेल है वो छोटू सेगमेंट है वो छोटू सेगमेंट है सर सर हमें नहीं समझ में आई हमें अरे यार क्या समझ में नहीं आई सर नहीं हमें नहीं आई नहीं आई बड़े ज्यादा किस्म नालायक किस्म के बच्चे मिल गए इस बार तो क्वेश्चन नंबर चौबीस देखेंगे ध्यान से देखिए इधर दिखाओ तुषार ने कहा है अगर दस परसेंट एग्जैक्ट आए तो फिर से मुझे दिखाओ जरा शशि मैंने तुषार एग्जैक्टली दस परसेंट वाले भी बताए थे फिर से तुम लाइन को सुनना ओके और तुम मुझे बताना एग्जैक्टली टेन परसेंट वाले कहां पर आएंगे तो आई एम स्पीकिंग अगेन ओके प्राची और तुषार मैंने कहा अगर किसी सेगमेंट की रेवेन्यू दस परसेंट या दस परसेंट से ज्यादा रेवेन्यू है ऑफ टोटल रेवेन्यू भाई टोटल रेवेन्यू का 10 परसेंट या 10 परसेंट से ज्यादा है तो वो बिगू कहलाएगा और अगर उसका सेल्स रेवेन्यू 10 परसेंट से कम है तो वो छोटू कहलाएगा क्या आपको समझ में आ गई प्राची और तुषार समझ में आ गई तो फोकस करना है ओके तुषार वापिस आओ अब आपको इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन 24 दिखा रहा हूं मैं क्या कहता है क्वेश्चन चौबीस में कह है चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड गिव्स दी फॉलोइंग डेटा फॉर इट्स सिक्स सेगमेंट्स कहता है सेगमेंट्स का ये डेटा दिया हुआ है सारे बच्चे जो मैं कहूंगा वही देखेंगे एम का रेवेन्यू है तीन सौ अभी बाकी मत देखना क्या आपको बाकी नहीं दिख रहा है अर्जुन के नहीं दिख रहा बाकी नहीं दिखना चाहिए तो मैं बाकी पर छुपा देता हूं कि बाकी तो दिखना ही नहीं चाहिए तो अब आपको क्या दिख रहा है फटाफट फड़ से बताओ एम की सेल बताओ कितनी दिख रही है M का तीन सौ एन का रेवेन्यू है छ सौ बीस ओ का रेवेन्यू है अस्सी पी का रेवेन्यू है साठ क्यू का रेवेन्यू है 80, आर का रेवेन्यू है 60, टोटल रेवेन्यू कितना है बताओ टोटल रेवेन्यू कितना है टोटल रेवेन्यू कितना है टोटल रेवेन्यू है 1200. मुझे ये बताओ 1200 का मुझे दिखा दो शशि 1200 का कितना कट ऑफ है कितना कट ऑफ है जैसे सीए में कट ऑफ होता है 40 परसेंट तो 1200 का कट ऑफ कितना आएगा 10 परसेंट और मोर तो 1200 का हो गया 120 120 अब बताओ 120 से ज्यादा रेवेन्यू या 120 वाले रेवेन्यू कौन कौन से हैं 120 या 120 से ज्यादा ठीक है दो देखने हैं तो ये लो ये है 300 फटाफट -फड़ से बताओ क्या ये रेवेन्यू रिपोर्टेबल है ये सेगमेंट रिपोर्टेबल है द आंसर इज यस 620 यस 80 ओ माई गॉड अ फेल हो गया ओ हो ओ, पास नहीं हुआ ओ माई गॉड अच्छा पी बताओ पी पास हुआ के फेल हुआ तो पी भी बेचारा फेल हो गया क्यू भी बेचारा फेल हो गया आर भी फेल हो गया अगर मैं बाकी बातें आपको ना समझाऊं एक मिनट के लिए बाकी बातें ना समझाऊं और इसी से आंसर पूछ लूं तो बताओ कितने सेगमेंट रिपोर्ट में आएंगे छह छह सेगमेंट अच्छा ये बताओ इन छे का क्या सबका अपना अपना सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड है दिस इज माई क्वेश्चन क्या ये छह के अलग-अलग सेपरेट -अलग रिस्क वाले थे हाँ रिस्क सबका अलग अलग है पर हम सबकी रिपोर्ट नहीं बनाते हैं हम उनमें भी छोटुओं को अलग कर देते हैं और बिग्गू की रिपोर्ट बनाते हैं तो बताओ इस केस में जो रिपोर्ट बनेगी वो किसकी बनेगी एम एन एंड अदर्स की बनेगी एम एन एन अदर्स की बनेगी दिस विल बी लाइक दिस अक्षिता अक्षिता कह रहे हैं आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं मैंने किसी को इग्नोर नहीं किया ना लाइक अच्छा तो सारे बच्चे मुझे ये बताओ <coughs> कौस्तुभ कह रहा है अगर कोई प्रोडक्ट लाइन की सेल दस परसेंट से कम है लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड भी डिमांड ही कम है लेकिन उस प्रोडक्ट का दस परसेंट से कम बिकना एक्सेप्शनली हाई एक मिनट कौस्तुभ कहीं तुम दूर चांद तारों पे चले गए पहले मैं अपनी बातें पूरी कर लू ओके कौस्तुभ दूसरी बात करूंगा आपके साथ अब यह बताओ ये बताओ सीए बनने के लिए सीए बनने के लिए आपके पास कोई बेंचमार्क है ऐसे ही रिपोर्टेबल बनने के लिए मैंने पहली लिमिट लगाई बताओ मैंने पहली लिमिट क्या लगाई मैंने कहा कौन है रिपोर्टेबल अगर उसका रेवेन्यू है इफ रेवेन्यू ऑफ सेगमेंट इज कितना था कितना था कितना था टेन परसेंट ऑफ मोर ऑफ टोटल सेगमेंट रेवेन्यू तो हम इन्हें बिग्स सेगमेंट बोलेंगे और हम बोलेंगे कि दीज आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ओके आस्क में क्या कोई और भी है लिखने की जरूरत नहीं निकिता मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा मुझसे पूछो सर रिपोर्टेबल बनने के लिए क्या यही तरीका है या कोई और तरीका भी है आपको पूछना पड़ेगा अमीशा ने कहा सर बताओ सर कोई और तो नहीं है मैंने कहा बेटा एक और भी है एसेट्स को देखो एसेट्स को देखो एक सेगमेंट की सेल नहीं आ रही है पर उसमें बहुत पैसा लगा हुआ है क्या आपको नहीं लगता बिग्गू होना चाहिए वो भी फटाफट से बताओ एक सेगमेंट में ज्यादा पैसा नहीं हमने रेवेन्यू नहीं आ रहा पर पैसा बहुत लगा रखा हमने क्या ये बड़ा सेगमेंट नहीं होना चाहिए आंसर इज़ यस। तो इसलिए हमने कहा कि इफ यहां ऊपर लिखा था रेवेन्यू बोल रहा हूं सेगमेंट एसेट्स आर टेन परसेंट और मोर ऑफ टोटल सेगमेंट एसेट्स ये भी बड़ा सेगमेंट होगा अच्छा क्या यह वाली कंडीशन पार हो जाए तो बड़ा ये वाली पार हो जाए तो बड़ा इसका मतलब बड़ा होने के लिए एंड नहीं बोला मैंने कहा इससे हो जाओ तो बड़े इससे हो जाओ तो बड़े अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे बारे में तुम्हारे को समझ में ही तब आएगी तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या बोलते हैं बेटा जीवन में तू एक भी काम अगर अच्छा कर ले तो तेरे को समझदार बोल दे क्या वो तुम्हें सारे काम अच्छे करने के लिए बोल रहे हैं हैं कि सिर्फ एक ही बोल रहे हैं? अब इससे समझ में आएगी जरा आराम से सोचो ब्रता लोग ने कहा बिल्कुल अस लोग को आज सुबह ही डांट पड़ी है वो कह रहा है सर मेरी मम्मी पापा ने मुझे कहा कि तू एक भी काम अगर ढंग का कर ले तो तेरे को समझदार बोल दे हम इसका मतलब ये सेगमेंट को भी हम यही कह रहे हैं कि तू रेवेन्यू में बड़ा हो जा तो तू बढ़ा तू एसेट में बड़ा हो जा तो तू बढ़ा तू प्रॉफिट एंड लॉस में बड़ा हो जा तो बड़ा आ हा 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 इसका मतलब मैं इनको तीन प्रकार से चेक करूंगा बताओ कौन कौन सी बातें चेक करूंगा फटाफट से बताओ तीन बातें कहूंगा तू रेवेन्यू में बड़ा हो जा तो तू बड़ा तू एसेट में बड़ा हो जा तो तू बड़ा और बाद में बोलूंगा रिजल्ट में तू बड़ा हो जा जा तो तो बड़ा बड़ा कहीं कहीं ना कहीं तू तो हो जा। ओके अब मुझे सारे के सारे बच्चे एसेट के लिए इस सवाल को चेक करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर चौबीस पर वापिस आ जाओ एसेट में देखकर बताओ कौन बड़ा एसेट के लिए कौन बड़ा तो फटाफट से मुझे बताओ चालीस बटा दो सो यह कितने परसेंट आता है फटाफट से बताओ चालीस बटा दो सो कितने परसेंट आता है बीस परसेंट अस्सी बटा दो सो कितना आता है चालीस परसेंट तीस बटा दो सो कितना आता है पंद्रह परसेंट बीस बटा दो सो कितना आता है दस परसेंट बीस बटा दो सो कितना आता है दस परसेंट दस बटा दो सो कितना आता है पांच परसेंट मुझे फटाफट से बताओ एम एम वैसे ये वाली कंडीशन भी पार कर गया था क्या यह वाली कंडीशन भी पार कर गया है हाँ एम तो बिगू है ही है अच्छा एन क्या चालीस परसेंट वाला भी बिग्गू है यह भी बिग्गू है यह भी बिग्गू है एक बात बताओ ओ जो था यहां तो छोटू था यहां बिग्गू हो गया तो क्या मानेंगे छोटू मानेंगे कि बिग्गू मानेंगे ओ जो था रेवेन्यू में तो छोटू निकला था लेकिन एसेट में बिग्गू निकल आया है क्या करेंगे इसको हम हम बोलेंगे भाई ये तो बड़ा हो गया है इसका मतलब मम्मी पापा ने यही कहा था तू तो कुछ तो पूरा कर ले तू तो कुछ तो कर ले कहो तो एक और घटिया एग्जाम्पल दे दू हां मजनू भाई कह रहे हैं एक और घटिया एग्जाम्पल दे दो बारहवीं क्लास के दौरान जब डांट पड़ती थी तो पापा क्या कहते थे बारहवी क्लास में जब डांस पढ़ती थी तो पापा क्या कहते थे बेटा तू तो सी ए कर ले, या सीएस कर ले या बीकॉम कर ले कुछ तो कर ले बोलो फील आ रही है कि नहीं आ रही वो तीनों करने को नहीं बोलते थे कह रहे तू तो तीनों में से कुछ तो कर ले यार, सीए कर ले नहीं तो सीएस कर ले नहीं तो बी कर ले ये कह रहे मेरे को मम्मी यही कहती है वेरी गुड इसका मतलब ये कि और अच्छा ये बताओ एम ने क्या क्या कर लिया है दिखाना जरा एम ने सी ए भी कर ली है और एम ने सी एस भी कर ली है कोई दिक्कत नहीं है बिग्गू तो है ये तो बड़ा अच्छा है लेकिन ओ ने बताओ क्या किया है ओ ने सी एस कर लिए पर सी ए नहीं की है क्या बोलोगे अब उसने एक तो कर ही लिया ना तो क्या बोलोगे अब बोलोगे नहीं नहीं तू भी बिग्गू है आ समझ में आ रही है बात अच्छा और फिर मुझे बताओ पी के बारे में बताओ यहां पर हमारे पास सेल थी पता नहीं कितनी ये ये थी फटाफट फ़ड़ से बताओ पी के अंदर दस ये परसेंट ये अब दस परसेंट वाला इसमें आएगा कि नहीं आएगा I don't know, 10 को क्या देखते थे? हम दस को बिग देखते थे कि छोटू देखते थे हम दस को बिग देखते थे हम बोलो दस भी बिग है तो यानी पी भी रिपोर्ट होगा के बारे में बताओ ये दस था और ये कितना था ये था अस्सी बटा बारह सो कितना होता है अस्सी बटा बारह सो कितना होता है परसेंटेज में कि बटा सो कितनी परसेंट हो गई सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट तो यहां तो छोटू निकल आया यहां बिगू निकल आया ये भी रिपोर्ट होगा आर की बात करते हैं अब अब आर की बात करते हैं आर ये पांच परसेंट ये भी पांच परसेंट ओ माई गॉड बताओ आर जो था वो छोटू का छोटू रह गया हो oh, oh, oh. मेरे को बहुत दुख हो रहा है आर छोटू का छोटू रह गया एक बच्चा कह रहा आर नालायक निकला है ऐसे थोड़ा ना होता है लेकिन फिर भी तो मुझे ये बताओ क्या ये कोई लर्न करना मुश्किल है वैसे आपको ध्यान से बताऊं तो आप लोगों को ये सारी बातें साथ साथ में लर्न हो रही होनी चाहिए आप यह नहीं कह सकते कि हाँ हमको लर्न नहीं हो रही है क्या साथ साथ याद हो रही है हां वापिस आओ हम तीसरी चीज क्या, क्या देखते हैं रिजल्ट तीसरी चीज क्या देखते हैं हम रिजल्ट हम रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे कि अगर उसका रिजल्ट भी दस परसेंट और मोर ऑफ टोटल रिजल्ट होता है तो हम उसे क्या बोल देंगे बिग्गू बोलेंगे आपको एक बात बताओ क्या दस परसेंट और मोर याद करने की बात है कि हर बार कॉमन है दस परसेंट और मोर तो हमेशा कॉमन है मैं इस रिजल्ट को थोड़ी देर बाद समझा दूं तो चलेगा क्या आप इसके लिए वेट कर सकते हैं मैं भी थोड़ी देर आपको बार बताता हूं रिपोर्टेबल लिमिट से बन सकता है और कुछ और ढंग से ही बन सकता है किसी और ढंग से ही बन सकता है सर और कौन सा तरीका हो सकता है भाई उसने अगर मान लीजिए लास्ट ईयर लिमिट पार कर ली थी आ हा 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 तो भी वो रिपोर्टेबल है मैं आपको बताता हूं अपने बारे में <coughs> मैं बताता हूं अपने बारे में मेरा नाम एक सेगमेंट है मेरा नाम एक सेगमेंट है और मैं बहुत बड़ा हुआ करता था पिछले साल बड़े अच्छा था मेरी सेल बहुत ज्यादा थी मेरे एसेट बहुत ज्यादा थे मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा था पिछले साल मेरे को रिपोर्ट करते थे मैंने कॉलर ऊपर कर लिया मैं पिछली बार बिग्गू था और पिछली बार तक कंपनी मुझे रिपोर्ट करती थी इस साल अब क्या बताएं इस साल ना तो हमारी सेल हुई है ना कोई रिजल्ट ज्यादा आया है और एसेट भी हमने बेच खाए हैं सारे के सारे इस बार हम बड़े नहीं निकले तो बताओ क्या तुम मेरी बाजू खींच कर तुम कहोगे चल भाई छोटू बन जा पिछले साल मेरा क्या तब वो था रुतबा था सारे बच्चे बताओ पिछले बार पिछले साल मेरा क्या रुतबा था मैं बड़ा था बिग्गू था इस बार तुमने छोटू बनाकर कह दिया चल साइड पे हो जा एक साल तक कितने साल बोल रहा हूं एक साल तक मैं अगर पिछले साल बिग्गू था तो अब आप बिग्गू बोलेंगे इसके पीछे लॉजिक क्या है फटाफट से बताओ पिछले साल मैं बिग्गू था इस बार मैं बिग्गू नहीं हूं फिर भी आप मुझे कह रहे हैं इस साल तुम्हें बिग्गू बना के दिखाएंगे क्यों ताकि वेरी गुड एक बच्चा कह रहा आपको मौका दिया गया मुझे मौका नहीं दिया गया नालायक शेयर होल्डर को समझाने के लिए बताया है कि शेयर होल्डर को कहना पड़ेगा ना अरे वो भी क्या दिन थे जब तुम बिग हुआ करते थे हम शेयर होल्डर को बताएंगे ना साथ में शेयर होल्डर को पता चलना चाहिए कि इसका इतिहास कैसा है फटाफट बात समझ में आती भाई एक बात बताओ पुराना किला है दिल्ली में इसे तोड़ क्यों नहीं देते खत्म करो पुराने किले को तोड़ क्यों नहीं देते उसको दिल्ली में पुराना किला है तोड़ क्यों नहीं देते उसको हाँ, नितिक, निकिता कह रहे हैं, तोड़ दो नहीं ना बताना है आज वो किला बड़ा नहीं है पर वो कभी बड़ा था इसलिए लोगों को इंपॉर्टेंस बताने के लिए ऐसा करते हैं यूर अंडरस्टैंडिंग अच्छा ये बताओ मैं आपसे कहता हूं कि रिलायंस ऑयल एंड रिफाइन ऑयल ऑयल था ना उसका नाम है भूल गया उसका जिसमें लॉस आ रहा था उसको तो मान लीजिए यहां पर ऑयल जो था एक बिगू था तो क्या ये रिपोर्ट में आया होगा फटाफट से मुझे बताओ हां के ना क्या ये अलग से आया होगा द आंसर इज यस ये रिपोर्टेबल होगा अगले साल वो लिमिट फेल कर गया ऑल थ्री ए बी सी ऑल थ्री लिमिट फेल कर गया बताओ अब आप उसे बिग बोलोगे कि नहीं बोलोगे फटाफट से बताओ द आंसर इज यस अभी भी आप उसे बिग बोल के रिपोर्ट करोगे हा, हा, हा। वही पिछले साल बड़ा था तो कोई बात नहीं एक साल तक और लोगों को पता चलना चाहिए अगले साल फिर लिमिट पास नहीं हुई फिर लिमिट फेल हो गई फटाफट से बताइए अब रिपोर्ट होगा कि नहीं होगा अब क्या बन जाएगा वो भाई अब पिछली बार वो लिमिट पार नहीं कर पाया था छोटू था हमने वैसे उसका बिग बनाया था लेकिन ये छोटू था पिछले साल अब इसकी नो रिपोर्टिंग अब ये अदर्स अदर्स में चला जाएगा यानी छोटू और संग जाके जुड़ जाएगा सर सर मान लो फिर से बाद में अगले साल बिग हो जाता है मान लो अगले साल फिर से वो लिमिट पार कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर से उसको रिपोर्टेबल बना देंगे बड़ा बनाने में दिक्कत नहीं है छोटे में दिक्कत होती है तो मुझे फटाफट फड़ से ये बताओ रिपोर्टेबल बनने के लिए दो तरीके हैं फटाफट फड़ से बताओ दो तरीके कौन से हैं <coughs> सीए बनने के लिए दो तरीके हैं या तो एग्जाम पास करने पड़ेंगे या तुम्हारे को तुम्हारी सीए में जान पहचान चाहिए ओहो सीए बनने के दो तरीके हैं या तो तुमको एग्जाम पास करने पड़ेंगे या तुम्हारी जान पहचान होनी चाहिए दो ही तरीके हैं और कोई नहीं ठीक है अच्छा वो सॉरी सॉरी मैं ऐसे बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी इसका मतलब आप में से कई बच्चे इस चक्कर में पड़ गए कह रहे सीए में जान पहचान चलती है जान पहचान चलती है एक मिनट के लिए मजा ले रहा हूं आपसे यार तुम क्यों टेंशन में आ जाते हो अच्छा ये बताओ एग्जाम कौन से पास करने हैं? एग्जाम कौन से पास करने हैं या तो फाउंडेशन के पास कर लो या तुम इंटर के पास कर लो या तुम फाइनल के कर लो। और लगा हुआ है रियल में ऐसा है नहीं ना मैं आपके दिमाग में आपको पहले बता दूं। आप में से कुछ बच्चे हैं ना मैं आपके दिमाग में चीज को घोट के डाल रहा हूं इसलिए मुझे ना खाने पीने के एग्जाम्पल सीए के एग्जाम्पल लेने होते हैं ओके okay? तुम टेंशन में आ जाते हो ऐसे जान पहचान से सीए कैसे बन सकता है तो ये गलत बात है ना तुम बात को सिर्फ सुनो तुम बताओ तुम तुम राधे फिल्म को देख रहे थे तो दिमाग लगा रहे थे क्या बताइए जब तुमने राधे फिल्म देखी थी तो तुमने कोई दिमाग दौड़ाया था तुमने कोई दिमाग नहीं दौड़ाया था तुमने कहा था ठीक है भाई जो ये हो रहा होने दो मेरी क्लास भी राधे ही है दिमाग मत दौड़ाओ चुपचाप में जो कह रहा हूं उसको ध्यान रखो कि सीए में आपको एग्जाम पास करने हैं तो ये कर लो तो सीए ये कर लो तो सीए ये कर लो तो सीए डोंट आस्क मी अविरल देखी तो मैंने मैंने भी नहीं है फिल्म लेकिन मुझे ये लोगों ने बताया है वो कह रहे हैं देख मत लेना ठीक है मेरे मैंने नहीं नहीं देखी फिल्म फिल्म अभी मैं मैं आमतौर पे देखता ही नहीं। पर मुझे लोगों ने खुद ही फोन करके बताया है शर्मा जी ये फोन मत ये फिल्म मत देख लेना मैंने कहा अच्छा ठीक है मैंने पूछा था कि क्यों क्या हो गया बोले कोरोना वेव की चौथी वेव है ये ठीक है वापिस आओ आपके साथ मैंने एक बात कही थी रिजल्ट के बारे में मैंने आपके बारे में साथ कहा था इसके लिए इंतजार करिए अच्छा ये बताओ इसमें लास्ट ईयर वाले में मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है ये तो आपको सीधा बताएगा है तो है नहीं है तो नहीं है ओके इसमें कोई मतलब नहीं है आपको समझाने का भाई वो सिर्फ बोलेगा कि भाई ये सेगमेंट पिछले साल बड़ा था तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है भाई इस बार ही बड़ा है देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट इसके बारे में बात करनी है यह बात करते ही मेरा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा फिर मैं नोट्स भी लिखवाने नोट्स आपको बाद में लिखवा दूंगा एक मिनट रुकना जरा रिजल्ट के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन चौबीस को देखें इसका प्रिंटआउट वैसे तो यह भी खत्म हुआ पड़ा है लेकिन चलो कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर चौबीस को देखें सारे बच्चे दिखाओ जरा रिजल्ट का पहले मतलब बताओ रिजल्ट का मतलब क्या होता है सेगमेंट रिजल्ट का मतलब क्या होता है पहले तो रिजल्ट का मतलब बताओ व्हाट डू मीन बाय सेगमेंट मजनू भाई कह रहा है परिणाम और पहले तो एक बात बताओ भाई ये मजनू भाई अपना नाम चेंज करो वहां जाकर तुम तो अपने लॉगिन में अपना नाम चेंज करो तुम्हारा नाम मजनू भाई है नहीं मैं हर बार मजनू भाई बोलता हूं मेरी आधी क्लास चक्कर में पड़ जाती है तुम्हारे एक बार नाम बोलने के बाद हमारे पंद्रह बच्चे बाद में वेलकम फिल्म की बात करते हैं इसलिए मजनू भाई जी जरा कृपा करें और वहां पर आप अपना असली नाम डालें ठीक है मां मजनू भाई डालेंगे तो मेरे को दिक्कत है चलिए रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस ओके आइए जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर चौबीस में देखें ध्यान से देखना सर आपने बाकियों को तो ध्यान से देखने को नहीं बोला यहां थोड़ा ध्यान लगवा रहे हो हां ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर चौबीस में सिर्फ रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूं एम एन ओ पी क्यू आर रिजल्ट है पचास माइनस एक सौ नब्बे दस दस माइनस दस और तीस ये माइनस का क्या मतलब हुआ नेगेटिव का क्या मतलब हुआ व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव नेगेटिव मींस लॉस ओके दिस मींस लॉस मुझे बताओ व्हाट इज टोटल लॉस एक सौ नब्बे और दस दो सौ इज द टोटल लॉस हम्म व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट प्लीज टेल मी व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट देखें दस दस और तीस फाइंड आउट दी टोटल प्रॉफिट पचास साठ सत्तर और तीस सौ मुझे इन दोनों में से हायर बताएं मुझे इन दोनों में से हायर बताएं प्रॉफिट में या लॉस में विच एवर इज हायर तो हायर इज टू हंड्रेड लॉस मैंने इसके आगे कोई नेगेटिव का निशान नहीं लगाया मैंने सिर्फ लिखा दो सौ रुपए लॉस अब आप अपने पास परसेंटेजेस निकालें नाउ कैलकुलेट परसेंटेज तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे मैंने कहा साहब हम इस परसेंटेज को निकालेंगे पचास बटा में जो आपका हायर था तो दिस इज पच्चीस परसेंट मैंने कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं लगाया 190 बटा 200 सो इन हंड्रेड इज इक्वल टू पिचानवे दस बटा दो सौ इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू पांच परसेंट दस बटा दो सौ इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू पांच परसेंट दस बटा दो सौ इन हंड्रेड इज इक्वल टू पांच परसेंट तीस बटा दो सौ इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू पंद्रह परसेंट मुझे ये बताओ क्या ये दस परसेंट या उससे ज्यादा है द आंसर इज यिपोर्टेबल क्या ये दस या उससे ज्यादा है द आंसर इज यस रिपोर्टेबल क्या ये भी रिपोर्टेबल है तो मुझे फटाफट से बताओ कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है एम एन और आर दीज आर योर रिपोर्टेबल सेगमेंट एम एन एंड आर वैसे मजे की बात बताऊं मैं आपको एम एन ओ पी क्यू आर ऑल आर रिपोर्टेबल क्योंकि किसी ने कोई शर्त पार कर ली है तो किसी ने कोई शर्त पार कर ली है They are all reportable. इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है दे आर ऑल रिपोर्टेबल ओके बट मैं इस बात को बाद में लेकर आऊंगा मुझे ये बताओ हमने अपने पास प्रॉफिट और लॉस वाले में जो डिनोमिनेटर था वो एक विचित्र ढंग से निकाला है पहले तो तरीका समझ में आया <coughs> हमने विचित्र ढंग से निकाला है यह बताओ सेल कभी नेगेटिव हो सकती है यहां दिखाओ जरा रेवेन्यू सीधा सीधा पॉजिटिव होगा एसेट्स इसमें लाइबिलिटी नहीं है इट इज ओनली एसेट्स भाई एसेट होंगे या नहीं होंगे जीरो होंगे नेगेटिव एसेट नहीं होंगे नेगेटिव एसेट नहीं होंगे आपने रिलायंस में नेगेटिव एसेट देखा था वो एसेट माइनस लाइबिलिटी है यहां बोल रहा हूं मैं कि एसेट या तो होंगे या नहीं होंगे ओके इसका मतलब ये कि इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है इनमें दिक्कत है कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, है तो इसका मतलब इसमें कुछ झंझट है पहले तो आपको यह पता चलना चाहिए कि इसमें झंझट किस वजह से है क्योंकि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है यहां तक की बात समझ में आई कि बाकी दोनों में यह झंझट क्यों नहीं था और इसी में क्यों है बिकॉज देर इज सम प्रॉफिट देर इज सम लॉस वेयर एज इन द केस ऑफ एसेट्स एंड इन द केस ऑफ रेवेन्यू ऑल वर पॉजिटिव देर वॉज नो प्रॉब्लम एट ऑल यहां तक ठीक अब बात करते हैं कि अगर मैं ये तरीका ना लगाता जो ये मैंने आपके साथ लिखा है तो फिर आपको क्या दिक्कत होती मैंने अपने पास पता क्या लिया है? मैंने कहा डिनोमिनेटर जो मैं लूंगा या तो प्रॉफिट का लूंगा या मैं लॉस का लूंगा विच एवर इज हायर मैं अपने पास इन्हें कंबाइन करके नहीं लूंगा बट आपके मन में क्या आ रहा है कि सर सर अगर हम कंबाइन करके लेते तो क्या दिक्कत आती यही क्वेश्चन आ रहा है ना मैं इसको आपको चेक करा देता हूं आपके सामने पेश है आपकी खिदमत में एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता नहीं है उसको मैंने आपको लिखने के लिए अभी तक कहा नहीं है जब मैं लिखने के लिए कहूंगा तो लिखेंगे स्टिल इनकी स्लाइड्स का प्रिंट आउट आप ले रहे हैं अगर आपको बाद में किसी को लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हैं इधर सुनिए है। मान लो एम एन ओ पी का ये रिजल्ट है एक लाख माइनस अस्सी हजार दो लाख माइनस दो लाख बीस हजार मुझे ये बताओ अगर मैं आपको ये नया तरीका ना बताता और मैं कहता जी ऐसे ही करो एक लाख डिवाइडेड बाय इसका टोटल क्या आप मुझे इसका टोटल बता सकते हैं इसका टोटल क्या होगा कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल फटाफट से बताओ वट इज दोटल अब टोटल आ गया जीरो अब मुझे इसकी परसेंटेज बताओ वट इज दर्सेंटेज डिवाइडेड बाय जीरो में जीरो परसेंट नहीं आती नालायको इसका मतलब है इनफाइनाइट इनफाइनाइट्स और यह भी मैंने कहा जी अस्सी हजार अब मैंने माइनस का साइन क्यों हटा दिया मैंने माइनस का साइन क्यों हटा दिया क्या शेयर होल्डर के लिए ज्यादा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है क्या ज्यादा लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है हम बिग्गू ढूंढ रहे हैं तो क्या बिग लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है यू, आप बोलते हैं बिग प्रॉफिट इज बिगू तो क्या बिग लॉस इज आप बोलेंगे छोटू आराम से दिल से आवाज आए तो बताना तुम कहते हो अरे दस परसेंट से कम का प्रॉफिट भी कोई प्रॉफिट है तो लॉस भी दस परसेंट से आसपास का लॉस तो चलो ठीक है ज्यादा लॉस है तो क्या बोल दोगे बेकार लॉस है वो ओके इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये जीरो है ये दस परसेंट है तो आप इसको बोलते हैं दस परसेंट का ये प्रॉफिट है तो आप बोलते हैं ये बिग है ठीक है ना ये आप बिगू बोलते हैं इसको आप स्मॉल बोलते हैं अब लॉस में भी तो लिमिट लग जानी चाहिए ना कि दस परसेंट तक का लॉस तो स्मॉल है उसके बाद तो ये भी बिग हो जाना चाहिए आराम से सोचिए एक शशि दिखाओ इसी को इसका मतलब ये कि आप ये तो नहीं कह सकते ना कि दस परसेंट से नीचे सब स्मॉल स्मॉल है आप बोले नहीं नहीं सब स्मॉल है दस से नीचे सब स्मॉल है अरे भाई दस से नीचे सारे स्मॉल कैसे होंगे ये तो बिग माना जाना चाहिए इसका मतलब यह हो गया कि हमें अपने पास दस परसेंट जीरो से दस देखना है चाहे वो प्लस वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो हेंस आई डोंट अप्लाई द साइन वाइल कैलकुलेटिंग द परसेंटेज मुझे फटाफट से बताओ दिस इज गिविंग मी द वेग आंसर आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिवाइडेड बाई जीरो मतलब देर इज अ प्रॉब्लम तो इसको हमारे इंस्टीट्यूट ने सॉल्व कैसे किया इस समस्या को क्या बोला उसने कहा ऐसा है सेट ऑफ मत करो क्या ले लो या तो ले लो टोटल प्रॉफिट या ले लो टोटल लॉस विच एवर इज बिगर वन विच एवर इज हायर वन भाई जीरो के आसपास की फिगर लेने का लॉजिक नहीं है वो कहता है आप प्रॉफिट को ले लो या लॉस को ले लो जो तुम्हें लेना है ले लो देर इज नो नीड टू अप्लाई एनी माइनस साइन ओके देर इज नो नीड टू अप्लाई एनी माइनस साइन क्या ये जो तरीका है ये नेगेटिव वैल्यूज को डील करने के लिए सब बनाया गया द आंसर इज यस गौतम कह रहा है इस सवाल में दोनों इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा एक बात बताओ मान लो ये इक्वल ना होते मान लेते हैं ये होता दो लाख तीस हजार और आपको मैं ये प्रॉफिट लॉस के बारे में ना बोलता तो बताओ आप इनका टोटल लगाते तो क्या आ जाता माइनस दस हजार बोलो हां और तब भी अगर आप माइनस दस हजार से डिवाइड करते तो हायर परसेंटेजेस निकल आती दो आपके पास बड़ा अजीब से आंसर निकल आते तो हमारे इंस्टीट्यूट ने जो तरीका बताया है कहता है ना तो लेना है हमने इनका जोड़ ना लेना कुछ और हमें लेना है या तो प्रॉफिट या लॉस विच एवर इज हायर उसके हिसाब से परसेंटेजेज निकाल के चेक करना है क्या आपको तरीका पता चला ज हायर और आपको कोई सिंबल नहीं लगाना नाउ गिव मी दी आंसर इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चौबीस तो क्वेश्चन नंबर चौबीस के अंदर आपका आंसर क्या होगा <coughs> तो रिजल्ट वाले में आप पहले प्रॉफिट का टोटल लगा लो फिर यह तो मैंने वैसे बता दिया था फिर रिजल्ट वाले का टोटल बता दो और उसके हिसाब से आपको यह आंसर बताना पड़ेगा क्या आप मुझे यह बताओ <coughs> क्या आप मुझे यह बताओ क्या मैं आपको क्या मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 291 ये मैं आपके साथ कराने जा रहा हूं ये एग्जाम का क्वेश्चन है कब आया ये जनवरी 2021 में कितने नंबर का क्वेश्चन है पांच नंबर का क्वेश्चन है क्या पांच नंबर के लिए हम जान दे भी सकते हैं और पांच नंबर के लिए जान ले भी सकते हैं द आंसर इज यस अक्षय कह रहा है अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है तो हायर वही हो गया ना जो इक्वल है वही हायर हो गया नालायक अक्षय कह रहा है पांच सेगमेंट हैं सीनियर अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड आपको पांच सेगमेंट का डेटा दे रहा है पी क्यू आर एस टी कह रहा है ये एसेट्स हैं, ये रिजल्ट है और ये रेवेन्यू है द अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट पी अलोन शुड बी रिपोर्टेड अकाउंटेंट का बताओ विचार क्या है अकाउंटेंट कहते हैं पी ही केवल बिग्गू है इज ही जस्टिफाइड इन इज व्यू ये आपने जवाब देना है एग्जाम इन हिज ओपिनियन इन दाइट ऑफ ए एस सेवनटीन सेगमेंट रिपोर्टिंग फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है क्या मैं आपको इसको अमीशा कह रहे हैं पेज नंबर क्या इसका पेज नंबर है वन पॉइंट वन फोर सिक्स क्या इसका आंसर अगर मैं आपको लिखवाऊं तो आपको अच्छा लगेगा <coughs> बोलो शर्मा जी हमें सवाल का जवाब कराओ अच्छा आप पहले प्रेजेंटेशन पे फोकस करना चाहते हैं कि आप मुझे पहले आंसर देना चाहते हैं पहले आप क्या करना चाहते हैं मुझे प्रेजेंटेशन भी बतानी है और मुझे आपसे जवाब चाहिए जवाब आप दे दो प्रेजेंटेशन मैं दे देता हूं ऐसे कर ले जवाब तुम्हारा प्रेजेंटेशन मेरी क्वेश्चन टू हंड्रेड एंड R वन पी क्यू आर एस टी का एसेट्स बता रखे हैं अस्सी तीस बीस बीस और दस टोटल कितने हैं एसेट्स बताओ वट इज द टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स हैं वन सिक्सटी मुझे बताना परसेंटेज अगर देखें तो ये परसेंटेज में कितना आ गया पचास परसेंट ये कितना परसेंट आ गया जरा बताना <coughs> मजनू भाई एटीन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट बीस बटा एक सौ साठ गिव मी परसेंटेज <coughs> मजनू भाई अगर तुमने नाम चेंज नहीं किया तो मैं आपकी थोड़ी सी दिक्कत करने वाला हूं मजनू भाई मोटर चली पम 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 जो पार्टी जाएंगे और भेल पूरी खाएंगे ठीक है मजनू भाई 12.5 पॉइंट परसेंट और मुझे ये बताओ 10 बटा 160 सौ साठ इज इक्वल टू हाउ मच सिक्स परसेंट अच्छा आपको क्या केवल एसिड देखने होते हैं कि आपको सारी चीजें देखनी होती हैं ईशान अभी आप आंसर दे रहे हो ठीक है मैं आपको भी आंसर लिखवाऊंगा तो आप मेरा आंसर भी लिखेंगे ठीक है मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगा तो अभी मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बताई है दूसरा है रिजल्ट लो भाई सुनो रिजल्ट रिजल्ट सुनो माइनस एक सौ नब्बे दस दस माइनस दस और तीस और इसका टोटल है 150 माइनस अब आप यह बताओ जब आप परसेंटेज निकालोगे तो 190 माइनस का साइन नहीं चाहिए डिवाइड किससे करोगे डिवाइड किससे करोगे डिवाइड 150 से करोगे या टोटल ऑफ लॉस से करोगे या टोटल ऑफ प्रॉफिट से करोगे किससे डिवाइड करोगे वेरी गुड अब मेरे को ठीक आंसर मिल रहे हैं सारे बच्चों के वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड सबका ठीक हमें 150 से डिवाइड नहीं करना हम देखेंगे लॉस है 200 प्रॉफिट है 50. 60 तो हम लॉस से डिवाइड करेंगे दिस इज इक्वल टू 95%. परसेंट दिस इज इक्वल टू 95 परसेंट मुझे अब आगे बताओ 10 बटा 200 ये कितना परसेंट दस बटा दो ये कितना परसेंट 5% परसेंट दस बटा दो सो कितना परसेंटेज 5% परसेंट तीस बटा दो सो यह पंद्रह परसेंट अभी आपको कुछ और भी देखना है और क्या देखना होता है फटाफट फड़ से बताओ हाँ आशीमा बोल रहे हैं क्या हमें ये टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट एग्जाम के लिए करना है कि लॉस सिर्फ आशिमा की बात का हम पहले जवाब देंगे नेशनल इंसल्ट के साथ आशिमा तुमको यहां पर हम चुटकले सुनाने के लिए आते हैं क्या तुम्हें क्या लगता है हम तुमको चुटकले सुनाने आते हैं जो ये कर रहे हो ये एस में लिखा है सबसे पहली लाइन में लिखा था दिस एस इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज एक्सेप्ट स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज तो फिर आप ये पूछ क्यों रहे हैं बार बार ये क्या रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता ये सब रियल लाइफ में होता है तभी करा रहे हैं पागल तोड़ना सुबह सुबह आके मैं चिल्ला रहा हूं यहां पर नालायक पूछना क्या ये रियल लाइफ में होता है बेवकूफ है यहां पर अम, तो मैं तुम्हें लगता है नौटंकी करने के लिए आए हैं ये रियल लाइफ में होता है जो कुछ होता है <coughs> चलिए अब दोबारा से वो नहीं पूछेंगे कि ये रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता अब मुझे बताइए एसेट्स के बारे में एसेट्स के बारे में फटाफट फड़ से बताओ जरा एसेट्स के अंदर कौन कौन है एसेट्स तो हो गया सॉरी रेवेन्यू रेवेन्यू है 620, 80, 60 और 60 है ना ये और टोटल 900 दिया हुआ है क्वेश्चन में परसेंटेज बताओ तेजस ने कहा 68.8 एट परसेंट दूसरा 88.6 परसेंट 88.6 तो हो नहीं सकता 8.88 परसेंट फिर 6.66 बहुत गंदी गंदी फिगर आ रही है ये 600 लिखा है क्या मैंने गलत नहीं कर दिया ये 60 आखिरी वाला भी और दिस इज ऑल्सो 6.66 परसेंट अच्छा ये बताओ इनमें से कोई ऐसा सेगमेंट जो पिछले साल रिपोर्टेबल था इसके बारे में कुछ लिखा है वो कह दे हो सकता भाई साहब पी पिछले साल बिग्गू था या क्यू पिछले साल बिग्गू था ऐसा कुछ लिखा है क्वेश्चन में क्योंकि पिछले साल बिग्गू था तो इस बार बिग्गू है भूल मत जाना लिमिट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है अब मुझे बताओ क्या पी सेगमेंट ने कोई लिमिट पार कर ली भाई साहब इसने तो तीनों पार कर लिए तो फटाफट से बताओ रिपोर्टेबल यस क्योंकि ए बी एंड सी तीनों क्वालिफाई हो गए आहा, हा 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 इसने ए इसने एबीसी तीनों क्वालिफाई कर लिए इसलिए ये रिपोर्टेबल है अगला बताओ क्यू 18.75 पॉइंट सात पांच पांच और आठ आठ भी रिपोर्टेबल है बताओ क्यों 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 रिपोर्टेबल है फटाफट से बताओ क्यों क्यों रिपोर्टेबल है नालायक बच्चा कह रहा है सी निखिल निखिल ये सी आठ पॉइंट आठ आठ परसेंट तुम्हारे को दस से ज्यादा लग रहा है दस लग रहा है नालायक दिस इज द रीजन ए क्वालिफाई कर गया बताओ आर के बारे में साढ़े बारह पांच साढ़े छे तो ये भी यस बताइए क्यों ए मुझे बताओ साढ़े बारह पांच और आठ पॉइंट आठ आठ क्या ये भी है हां भाई हां ये इसका आंसर भी है ए सवा परसेंट पंद्रह परसेंट सवा छे परसेंट बताओ ये भी यस है इसका कारण क्या है इसका कारण क्या है इसका कारण है बी क्वालिफाई हो गया मुझे ये बताओ क्या ऑल आर रिपोर्टेबल फटाफट से बताओ <coughs> क्या ऑल आर रिपोर्टेबल सब में यस 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 लगा दिया है अब मुझे यह बताओ बच्चे ने पूछा है क्या एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि सारी होनी चाहिए सुधांशु कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा है बहुत बढ़िया सर एक कंडीशन देखनी है कि तीनों देखनी है हर्ष ने भी यही पूछा है आइए अब इनकी हम थोड़ी सी खिंचाई करें गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला कर इंटरनेट ने भी अब समझ लिया है पर तुम्हारी समझ नहीं आया बार बार कहा कि ये या ये या ये तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कहा बेटा ये कर ले ये कर ले के ये कर ले तुम्हारी समझ में नहीं आया ना लाइक अकाउंटेंट कह रहा है अकाउंटेंट कह रहा है सिर्फ और सिर्फ पी रिपोर्टेबल है क्या वो ठीक कह रहा है या गलत फटाफट फड़ से बताओ अकाउंटेंट कह रहा है सिर्फ पी रिपोर्टेबल है आप कह रहे हो आल रिपोर्टेबल है तो अकाउंटेंट इज रॉन्ग अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए सर हम पेपर में क्या करेंगे अच्छा अच्छा सुधांशु ने सुधांशु कह रहे हैं आपने ऐसे हमारे बारे में बोल दिया मैं तो कुछ और पूछ रहा था तो सुधांशु ने कहा है कि सर अगर एक भी हो जाए तो बाकी चेक करने की जरूरत क्या है सुधांशु आपकी बात बिल्कुल ठीक है आप प्रैक्टिकल इंसान है पर एग्जाम में मैं सारे करके आऊंगा ओके आ, तो आई एम सॉरी सुधांशु मैंने तुम्हारी नेशनल इंसल्ट कर दी सुधांशु पूछ रहे थे मैंने मैंने ऐसे इंसल्ट कर दी सुधांशु की सुधांशु क्या तुम तो मुझे माफ कर दोगे कि नहीं करोगे <laughs> वापस चलते हैं और देव, खुशी ने कहा लॉस और प्रॉफिट में से हार लेते हैं बट कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑन प्रॉफिट ऑन द लॉस नहीं खुशी जैसे हमने किया बिल्कुल वैसे करना पड़ेगा चलो अब हर्ष कह रहा है मेरे को भी सॉरी बोलो तो मैंने हर्ष को भी सॉरी बोल दिया नाउ कम टू प्रेजेंटेशन पार्ट ओके ये परसेंटेजेस तो अब मुझे याद रह नहीं सकती हैं अब परसेंटेजेस वाला काम तो तुमने कर ही लिया है तो वो मैं आपसे पूछ लूंगा परसेंटेजेस को ठीक है ज्ञान की ज्योत जलाते चलो पहला पैरा बताते चलो पहले पैरा में क्या लिखेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवेंटीन सेगमेंट रिपोर्टिंग हम पांच नंबर के लिए काम कर रहे हैं क्या पांच नंबर के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं हाँ, एक बच्चा कह रहा है हाँ, हफ्ते में कितनी क्लासें लगेंगी हफ्ते में छह क्लासें लगेंगी गौतम तुमको हफ्ते में छह दिन मेरे साथ सरदर्द कराना पड़ेगा <coughs> तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग इफ एनी ऑफ फॉलोइंग लिमिट इज क्वालिफाइड then such segment is considered as रिपोर्टेबल सेगमेंट मुझे ना अचानक से बेटा चक्कर से आगे मैं भूल ही गया यार वो तो लिमिट भूल गया मैं ऐसा होता है इस उम्र में आके भूल जाता है आदमी मैं भूल गया वो तीन लिमिट कौन कौन सी थी <coughs> मजनू भाई तुमको अपना लॉग में जाके नाम चेंज करना है ना लाइक कह रहे मैं नाम कैसे चेंज करूं चलिए नंबर वन सेगमेंट एसेट्स आर टेन परसेंट और मोर ऑफ किसका भाई टेन परसेंट ऑफ मोर किसका देखते थे आप टेन परसेंट टेन परसेंट और मोर किसका देखते थे किसका देखते थे <coughs> हाँ दिव्यांशी अब बेटा कोई बात नहीं Ten percent or more of total assets or segment revenue is ten percent or more of total segment revenue or segment result. टेन 10% और मोर ऑफ टोटल सेगमेंट प्रॉफिट और टोटल सेगमेंट लॉस विच एवरिज हायर भैया आप परसेंटेज रिजल्ट की जो निकालते थे वो किस पर निकालते थे रिजल्ट की परसेंटेज निकालते थे या तो प्रॉफिट पर बेस्ड या लॉस पर बेस्ड विच एवरिज हायर्स याद आ रहा है? <coughs> बस लिमिट वाली बात बताएंगे इन द गिवन केस इन द गिवन केस ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल ये लिखने से पहले आपको रफ में काम करना पड़ता है ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सिंस अब मुझे एक एक करके बताओ जरा फटाफट फ़ड़ से एक-एक करके बताओ सेगमेंट पी क्या क्वालिफाई कर रहा है सिंस सेगमेंट पी क्वालिफाइज ऑल अबव लिमिट्स उसकी सारी लिमिट्स पार हो गई हैं ऑफ रेवेन्यू एसेट्स एंड रिजल्ट फिर मुझे बताओ सेगमेंट क्यू सेगमेंट आर सेगमेंट आप यहां चाहें तो परसेंटेज बता सकते हैं कि रेवेन्यू का कितना एसेट का कितना और उसका परसेंटेज कितना अगर आप बताना चाहें मैं रब कर चुका हूं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं ठीक है ना फोर्थ केस नहीं बताएंगे लास्ट ईयर वाला जी नहीं साक्षी अगर मान लो इस सवाल में वो अप्लाई हो रहा होता तो मैं पक्का बताता इसलिए साक्षी वही बताएं जो लगता हो उस सवाल में ओके फालतू तो बताना नहीं है मुझको हाँ तो मैंने बिनीता परसेंटेज लिखी नहीं है आपने लिखनी है तो लिख लो सेगमेंट क्यू क्या क्वालिफाई कर रहा था मैं भूल गया हूं आप बता दो मजनू भाई ने कहा क्वालिफाई क्वालिफाई ए क्वालिफाईज सेगमेंट एसेट लिमिट परसेंटेज बता सकते हो तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं सेगमेंट आर फटाफट से बताओ तुषार कह रहा है वो कैलकुलेशंस का वर्किंग नोट बनाना जरूरी है जी नहीं तुषार वो चाहिए नहीं है आपको ये चाहिए हाँ आपको ये कैलकुलेशंस रफ में करनी पड़ेंगी आप चाहो तो बीच में भी करके दिखा सकते हो ठीक है आर ने पूरा किया है फिर से ए पी क्यू आर के बाद कौन था आर के बाद था एस टी इसने भी शायद एसेट की लिमिटी पार की थी आई एम नॉट श्योर बाकी फिर भी आप चेक कर लेना और इसने क्वालिफाई की थी सेगमेंट इसने कौन सी वाली पार की थी टी ने इसने रिजल्ट वाली पार की थी परसेंटेज कितनी थी <coughs> हमें एग्जाम के लिए यह करके आना है पंद्रह परसेंट अगर आप चाहें तो आप अपने पास नोट देकर के परसेंटेजेस निकाल सकते हो पी क्यू आर एस टी और आप एसेट की भी परसेंटेजेस बता सकते हो टन 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 आप रिजल्ट की भी परसेंटेज बता सकते हो लेकिन आप नहीं भी बताओगे तो चलेगा आई सी आई ये नहीं मांगता इसका मतलब नहीं मांगता तो आप में से कुछ बच्चे अगर मान लो कह रहे हैं बनाना है तो बना लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये मांगता नहीं है आईसीआई ओके ओके बाकी तुम्हारे मन की श्रद्धा है तुम पांच नंबर के लिए कुछ भी कर दो हाँ दिव्यांश दिव्यांशी कह रहे हैं मेरे पास पुरानी बुक है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है तो दिव्यांशी तभी तो नई बुक भेज रहे हैं आपके पास ठीक है अच्छा दिव्यांशी अगर तुम्हें जानना हो कि तुम्हारी बुक कहाँ पर है तो उसके लिए तुमको ट्रैकिंग आईडी पता कैसे पता चलेगा डिलीवरी की वेबसाइट पे चले जाओ वहां पर अपना फोन नंबर डालो वहां से एक ओ आएगा तुम्हारे को बता देगा कि तुम्हारी किताब कहाँ पर है तुम अपने पास चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ढूंढ लेना वहां मिल जाएगा आपके दोस्त आपकी मदद कर देंगे उत्कर्ष कह रहा है मेरे में ऑर्डर नहीं आया है आप एक बार उस ग्रुप में डाल देना कि आपको अगर वहां पर डिलीवरी में नहीं पता चल रहा आपकी कि किताबें कहाँ पर हैं तो एक बार हम आपको वहाँ से चेक करा देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है हो सकता है आपका फोन नंबर कुछ गलत डला हुआ है या कुछ और कारण हो सकता है ठीक है गौतम संडे को क्लास नहीं हुआ करेगी संडे को छुट्टी हो जाएगी हर्ष कह रहा है 300 क्वेश्चन कैसे करेंगे 300 छोड़ो मैंने तो आपको इसमें और भी क्वेश्चन का पीडीएफ भेजा आपको मिला था कि नहीं मिला था मैंने आपको एक दो तीन चार क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ भेजा जो किताब में नहीं है आपको पीडीएफ मिल गया अच्छा पीडीएफ नहीं मिला है कोई बात नहीं आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने चार क्वेश्चन और भेजे हैं कोई दिक्कत थोड़ी ना आप मेरे को या तो मना कर दो बोलो शर्मा जी हम कम मेहनत करना चाहते हैं तो फिर मैं नहीं दूंगा क्वेश्चन और आप कहो शर्मा जी हम मेहनत करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा ओके सक्षम हमारे पास कंसोलिडेशन uh, के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन क्लास में होंगे नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके, सारे क्वेश्चन पर होंगे चलिए, अब हम बात करते हैं कि आज की क्लास हम यहीं तक ले रहे हैं और हम बाकी की बातें करेंगे आपके साथ कल कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमारे यहाँ पर साइक्लोन आया हुआ है और साइक्लोन की वजह से हम लोग घर में इंटरनेट नहीं चल रहा है उनमें से एक बच्चे का नाम था ब्रिता लोक बाई चांस ब्रता लोग हमारे यहां पर क्लास में बैठे भी हैं और एक और बच्चे का नाम था मैं नाम भूल गया उनका <coughs> सत्याकी कह रहे हैं हमारे यहां भी इंटरनेट तो ये बताओ अब तो साइक्लोन चला गया अब तुम्हारा इंटरनेट अभी भी चल रहा है तो अब क्यों बंद होगा आगे प्लीज टेल मी आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि कल हमारी क्लास कैंसिल हो अब तो साइक्लोन चला गया अब तुम्हारी क्लास कैंसिल करने का क्या फायदा बिनीता कह रहे हैं अभी अभी भी चल रहा है तो आज चला जाएगा साइक्लोन क्य शाम तक तो चला ही जाएगा कल तो क्लास में कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको ओके तो इसलिए कल हमारी क्लास है और साइक्लोन अगर मान लो प्रॉब्लम थी तो आज सुबह थी तुमने आज सुबह सुबह मुझे बोलते वो जैसी क्लास स्टार्ट हुई थी वहीं तुम मुझे बोल देते शर्मा जी क्लास कैंसिल कर दो मैं क्लास कैंसिल कर देता तुमने तब बोला नहीं अब मैं कैसे कैंसिल करूं ठीक है तो आ, 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 आज हमारे पास क्लास तो मैं आज तैयार था आज तो मुझे कहते शर्मा जी क्लास कैंसिल कर दो मैं कैंसिल कर देता तो तुमने कहा नहीं मैंने दी नहीं तो आज की क्लास यहीं तक की थी और इसके अलावा आज कुछ नहीं है कल हमारी क्लास है कल हमारी क्लास है कल छुट्टी नहीं है ओके और फिर उसके बाद आपको छुट्टी चाहिए तो हम आपको सैटरडे की छुट्टी दे देंगे सैटरडे को कुछ और टॉपिक कराना है ग्रुप वन का तो सैटरडे को ग्रुप टू की छुट्टी कर देंगे ठीक है हम सैटरडे को ग्रुप टू की छुट्टी कर देंगे सुन रहे हैं आप आपके नहीं सुन रहे हैं निखिल सैटरडे को छुट्टी नहीं बोल रहा सैटरडे को ग्रुप टू की छुट्टी बोल रहा हूं ओके किसी और ग्रुप की क्लास हो सकती है आपकी थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू और बाकी बातें हम करेंगे आपके साथ अगली क्लास में या इस टॉप हमारे पास इस ग्रुप में अराउंड फोर्टी फाइव क्लासेज लाइव क्लासेस लगेंगी ओके और सिक्स डेज अ वीक होगा बैच हमारा वो आपको मालूम है बाय